रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكبروا الله على ما هداكم على ما تشكرون صدق الله العظيم الله سبحانه وتعالى فرما رہے ہیں یہ قرآن اس رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا اور یہ قرآن ہمارا رہنما ہے اس قرآن میں اللہ نے ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ رکھا ہے اور حق اور باطن کو الگ الگ کر دیا ہے سو جو بھی اس مہینے کو پائے اس مہینے میں پورے 30 دن کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں ان روزوں کا شمار کر لے اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے آسانی چاہتے ہیں ہمارے لیے مشکل نہیں چاہتے اور یہ آسانی اللہ اس لیے چاہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم پر احسان کیا تم کو ہدایت دے کے تو تم اللہ کی بزرگی بیان کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو رمضان کا مہینہ میں ہوں ہمایوں جمشید تمام دیکھنے والوں کو تمام سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج رمضان کا پہلا دن پہلی سحری پہلی شب اور پی ٹی وی ہوم پہ یہ خوبصورت سٹیج
सजा हुआ। आप और मैं, हम सब बहुत खुशकिस्मत कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें इस रमज़ान का महीना हमें अता किया। हम अगले 30 दिन में इंशाअल्लाह ये कोशिश करेंगे यहाँ इस महफिल में, इस महफिल की बरकात से हम सब कुछ सीखने को मिले कि इस रमज़ान की जो बरकात हैं उनको हमने दोनों हाथों से कैसे लूटना है, और हम सब अपने आप को, एक तो अपने आप की हम इस्लाह करें, और इंशाअल्लाह यहाँ से जो इस रमज़ान सर सीख के जाएं वो अगले 11 महीने के लिए हमारे साथ हो। मैंने एक बात सुनी रमज़ान के बारे में कि ये जो लफ्ज़ है रमज़ान, ये अल्लाह ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ मुंतखब किया। इसका मतलब ये कि जल जाना, यानी जैसे आग में लकड़ी डाल दें तो जल जाती है, आग में कागज़ डाल दें तो जल जाता है, इस तरह इसका मतलब है जल जाना। क्या जल जाता है और कौन जलाता है? हम जब रमज़ान में इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अपनी प्यास को रोकते हैं, तो अपनी प्यास की आग को जो रोकते हैं, अपनी भूख की आग को जो रोकते हैं, तो अल्लाह हमारे पिछले सारे गुनाहों को इस आग में डालते हैं। पहले रोज़े से ये मामला शुरू होता है, और जब तक 29वें रोज़े तक पहुँचते हैं तो अल्लाह हमें पाक और साफ कर अपनी रहमत के आगोश में ले लेते हैं। तो अल्लाह आपको और मुझको, हम सबको ये तौफीक अता फरमाए। आज मैं हमारे इस रमज़ान सैरी ट्रांसमिशन में मैं आपको अपनी को होस्ट से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, तो डॉक्टर राफिया रफीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। सबसे पहले हमारी जानिब से, पूरे पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जानिब से तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत रमज़ान के महीने की मुबारक। ये एक बड़ा खूबसूरत महीना है, इसमें की हुई इबादत का हज़ारों सालों का दर्जा है। अगर हम सोचें तो एक नेकी के बदले में हमें 70 नेकियां मिलती हैं। और अगर हम बात करें इस बारे में कि ये कैसे हुआ और ये रमज़ान का महीना हमको क्यों गिफ्ट किया गया, तो इसके पीछे एक बड़ी खूबसूरत बात है। पहले ज़माने में हमारे जो अनबिया कराम थे उनकी उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थीं, तो वो बहुत इबादत कर सकते थे, बहुत नेकियां समेट सकते थे। फिर वक्त के साथ साथ उनकी उम्रें कम होती चली गईं, तो सहाबा कराम ने कहा कि हम उन जितना सवाब कैसे कमाएं, हम उन जितनी नेकियां कैसे कमाएं। तो फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि एक महीना एक तोहफे की तरह आपके सामने है, पेश किया जाएगा, जिसमें आपकी कीवी एक नेकी 70 नेकियों के बराबर होगी, और एक रात उसमें ऐसी होगी, एक रात जिसे हम शब कदर कहते हैं, जिसको हम हर साल ढूंढने की कोशिश करते हैं और कभी कभी शायद पा भी लेते हैं अल्लाह की रहमत से, उसमें हमें हज़ार नेकियां मिलेंगी। तो ये एक बड़ा खूबसूरत महीना है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। अल्लाह ने हमारी किस्मत में महीना हमको इस साल भी दिया, उसके लिए हम बहुत बहुत जिसके तरह थैंकफुल हैं, शुक्रगुजार हैं। और जी, बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम इस पूरे महीने में कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नेमतें और बरकतें समेट सकें। और हमारी जो ट्रांसमिशन होगी, जो आप हमारी ख़ास ट्रांसमिशन देखेंगे, इसमें हमारा मकसद भी होगा कि हम आप तक ऐसी बातें पहुँचाएँ और ऐसी चीज़ों की रिविज़न भी करें और आपसे भी बहुत कुछ सीखें, क्योंकि इस ट्रांसमिशन से हम सब बहुत कुछ सीखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आप बहुत ही खूबसूरत आवाज़ सुन रहे थे, जिसमें तलावत कुरान पाक की थी, और वो खूबसूरत आवाज़ थी जी हाफिज़ कारी मज़र अशरफ़ी साहब की, बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी। इसी बात पे मुझे याद आया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो। बहुत खूबसूरत तो, बात की आपने, बहुत खूबसूरत बात की। और इसके साथ साथ मैं अगर ये बोलूँ कि हमने इफ्तिताह अल्लाह के मुबारक नाम से किया, लेकिन कोई भी रहमत वाली महफिल आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिक्र
और उनकी पढ़ाई के बगैर पूरी होती नहीं, नहीं होती। और अल्लाह अपने को कह रहे हैं रब्बुल आलमीन, और आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन, यानी अगर अल्लाह की रब्बानियत सातवें आसमान तक और उससे ऊपर, तो आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमानियत भी सातवें आसमान तक। तो ये अल्लाह ने दर्जा दिया और कुरान के साथ साथ इतनी बड़ी रहमत हमें अता फरमाई। और तो हम इसके साथ अपना पहला जो शुरू करेंगे, आप बताइए, अब हम सबसे पहले कसीदा बुर्दा शरीफ कर रहे हैं, बिल्कुल उस तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रमज़ान का चांद जब नज़र आता है, तो वैसे तो हम लोग एक प्रैक्टिस भी है कि हम लोग रमज़ान का चांद दे के दुआ मांगते हैं और एकदम से बरकतों का एक महीना जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बारे में हजूर सल्लम ने कहा ये चांद खैर बरकत का चांद है, ये चांद खैर बरकत का चांद है, मैं उस ज़ात पे ईमान रखता हूँ जिसने इसे तख्लीक किया है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा। जी, हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ बहुत ही खूबसूरत एक ऐसी रिवायत से करेंगे, एक ऐसी चीज़ से करेंगे जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं, सालों से हमारी समातों को तस्कीन पहुँचा रहे हैं, कसीदा बुर्दुल शरीफ। और इसके लिए मैं दावत देना चाहूँगी, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है जी, सनाख्वा हैं हमारे साथ कारी असदुल हक, और उनका साथ देंगी जी हमारी खुशगो नात ख्वा सना सैयद। आइए जी कारी साहब। आइए यूं नबी रानों पे रोता करना हो
आपने तो इस महफिल में चार चांद लगा दी हैं। एक तो आपकी आवाज़ खूबसूरत और ऊपर से इतना बड़ा जिक्र। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब हम इनसे मिलते रहेंगे ना? बिल्कुल मिलते रहेंगे, लेकिन अभी हमको जाना होगा एक वक्फे की तरफ। वक्फे की तरफ चलो। एक वक्फे की तरफ तो जाना आप होगा। आप वक्फा लीजिए। हाँ जी, हम एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, अभी दोबारा हाजिर होते हैं। जी बहुत बहुत खुशामदीद आपको दोबारा हमारी इस ख़ास ट्रांसमिशन में। यहाँ मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि इस वक्त हम ना सिर्फ PTV होम बल्कि PTV न्यूज़, PTV नेशनल और PTV बुलान पे भी हम इस वक्त लाइव देखे जा रहे हैं। हमारी ट्रांसमिशन वहाँ पे भी इस वक्त लाइव जा रही है। और अब हम जिस पर्टिकुलर सेगमेंट की तरफ चलेंगे वो एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट है। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो सदियों से जी इस हुनर की बात होती है, सदियों से ये हुनर जो है वो प्रैक्टिस किया जा रहा है। हिर्फ हुकमत की तरफ हम चल रहे हैं और हम बात करेंगे सबसे पहले कलम की। जी कलम जो है, वैसे तो हम सब इसकी इम्पोर्टेंस, इसकी अहमियत जानते हैं और हम सब जानते हैं कि इल्म में कलम का जो है एक बहुत ही ख़ास रोल है ऑब्वियसली। लेकिन इसके साथ अगर हम बात करें तो कलम की, हम अगर मंजिलत की बात करें तो इससे बढ़ के शायद मंजिलत नहीं हो सकती हुमायूं के। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कलम की कसम खाई है। अल्लाह ने कलम की कसम भी खाई है और अल्लाह कुरान में फरमा रहे हैं कि सबसे पहली चीज़ जो अल्लाह ने तख्लीक की वो कलम थी। कलम है। फिर कलम को हुक्म दिया अल्लाह ने कि लिखो, तहरीर करो। लिखो। और फिर कलम ने अब से लेके आखरत या उससे आगे का भी ज़माना जो अल्लाह के अपने इल्म में है सब लिखा और वो लोहे महफूज में महफूज हो गया। सही। और ये कलम की क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है? देखिए इम्पोर्टेंट बात यह है, अल्लाह ने क्यों इसकी कसम खाई? अल्लाह ने इसकी कसम इसलिए खाई कि कलम जो है वो इल्म से जुड़ा हुआ है। इल्म से जुड़ा, बिल्कुल। और इल्म के बग़ैर आप ना किसी का दिल फेर सकते हैं और इल्म के बग़ैर ना आप किसी को किसी अमल पर राज़ी कर सकते हैं। जैसे और ना आप खुद समझ सकते हैं। खुद समझ सकते हैं। हाँ। तो आपके कान सुनते हैं, आपके दिल में उतरती है और आपके अमल में आता है। इसलिए कलम का हमारे दीन में बड़ा एक बहुत बड़ा मकाम है, क्योंकि ये इल्म से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और खताती की बात की जाए तो ये एक सदियों पुराना हुनर है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे यहाँ खताती होती है। और खताती की अगर बात करें तो अरबिक कैलीग्राफी की अगर बात करें तो वो उस्मानी दौर की एक बहुत ही मशहूर कैलीग्राफी है। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी कि वो खुशनवीस और इसके साथ खुशगो सनाख्वा भी हैं। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह उनको मिल चुका है। हमारे पास मौजूद हैं जी साहिब इल्म का कलम नूर मोहम्मद जलाल साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जलाल साहब, क्या हाल चाल हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
हमारा ख्याल है कि हमने आपके इंट्रोडक्शन में थोड़ी कमी पेशी कर दी, क्योंकि आपका मैं जब मामला देख रहा था तो मुझे ये एहसास हुआ कि आपका सारा मामला खाली खताती नहीं है, बल्कि आप उसके ज़रिए से एक इल्मी और तालीमी मैसेज भी देते हैं। क्या मैं सही समझ रहा हूँ नूर साहब? सर, आपने मैं तो एक तालिब इल्म हूँ, और आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उतलिबुल इल्म मिनल महदी इलल्लाह, कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र तक। तो मैं तो उसी से जारी हूँ, लेकिन ये खत्ताती जो है ये सूफिया का पेशा है। अच्छा, हमारे उन लोगों का जो पाकान उम्मत हैं और जिनकी ज़िंदगियाँ हमारे लिए मशाल राह हैं। अच्छा, जितने बड़े बड़े लोग गुजरे हैं उन्हें शायरी और खत्ताती अल्लाह की तरफ से वदियत की गई है, और बहुत सारे लोग हिकमत भी फिर इससे आगे की मंजिल की तरफ जाते हैं। कायनात के मुर्शद और सदियों पे जिनके अफकार हावी हैं मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह, हम उन जैसे बुज़ुर्गों से कुछ तारीख के वाक़यात अख़ज़ करेंगे और माजी से की उस रोशनी से अपने चेहरों को रोशन करेंगे, अपने हाल को संवारेंगे। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने हिकायात के रूप में ऐसे ऐसे मोती बखेरे हैं, ऐसे ऐसे इल्म व हिकमत के बाब लिखे हैं कि उन पर सदियों से आज तक तहकीक जारी है, लेकिन मौलाना के अफकार की तह तक कोई नहीं पहुंच सका। उनकी हिकायात आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा सरमाया है। हम कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक के इन अय्याम में और इन सहरी के इस बाबरकत और मुबारक टाइम में उनका तज़किरा करें, और फिर उनकी रोशनी में अपने मसाइल का हल तलाश करें, जिससे हम हमारी ज़िंदगियां और हमारे अहल वयाल और तमाम मुआशरा जिसके दो चार है। मौलाना लिखते हैं कि एक नदी या दरिया था, उसके दो किनारों पे दो शख्स मछलियों का शिकार कर रहे थे। अलग अलग किनारे पे, अलग अलग किनारे पे बैठे, दरमियान में दरिया है। उन्होंने एक दूसरे को गौर से देखा तो शक्लों में कुछ शनासाई नजर आई, आवाज़ दे के पहले इशारे से फिर पत्थर फेंक के एक दूसरे को मुखातब करके एक ने कहा, मियाँ तुम फलां हो ना? उसने कहा, हाँ मैं वही हूँ। और तुम? उसने कहा, मैं तुम्हारे बचपन का दोस्त वो हूँ जिससे तुम बचपन में गली में इकट्ठे खेलते थे, दीवार ब दीवार रहते थे, शाम का खाना इकट्ठे खाते थे, और मोहब्बत थी हमारे दरमियान। तो मोहब्बत ये चीज़ ही ऐसी है, ये जब जोश पे आती है ना तो बाज़ औक़ात तेशे से पहाड़ को कटवा देती है, और ये जब जोश में आती है तो बाज़ औक़ात फिर पेट पे पत्थर बांध के अपने मालिक को राज़ी किया जाता है। मोहब्बत के अपने रंग हैं। तो उन दोनों ने आपस में बात की तो इश्तियाक और बढ़ा, तजस्सुस बढ़ा, और चाहा कि एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, गले लगाते हैं, और आज उस तमाम गुजरे हुए वक्त का एक आप उसका नतीजा आज निकला है कि हमारी अल्लाह ने मुलाकात की है। लेकिन साहब, दरमियान में तो वो दरिया है ना, कोई पुल है ना कश्ती है, और ना ही वो दोनों तैरना जानते हैं, और दरिया भी बहाव में है। तो उन दोनों ने आपस में ये तय किया कि हम दो किनारों के ऊपर बराबर चलते जाते हैं, जहाँ कहीं जाके दरिया के किनारे मिलेंगे, हम एक दूसरे को गले लगा के आइंदा के बाद एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। चल पड़े, और चलते चलते जब शाम ढली तो एक सुनसान दरिया का किनारा, कोई तो एक गाँव नजर आया और दूसरी तरफ एक झोंपड़ी नजर आई। तो उन्होंने कहा, तुम गाँव में चले जाओ, मैं झोंपड़ी की तरफ चला जाता हूँ। झोंपड़ी वाला जब वहाँ पे पहुँचा तो उसने देखा कि उस झोंपड़ी में एक अल्लाह वाले बुज़ुर्ग इबादत में मशगूल हैं। उसके कदमों की आहट सुनकर उन्होंने कहा कि जो भी है अंदर आ जाओ और बैठ जाओ। बैठे, कहा तुम यहाँ आराम कर लो, सुबह अपनी हाजत बयान करना, हम आगे चलेंगे। सुबह हुई, कुछ तनावल किया, और उसके बाद बुज़ुर्ग ने पूछा कि क्या, किस मकसद के लिए आए हो? तो उसने माजरा कह सुनाया कि जनाब, मेरा एक दोस्त है, वो दरिया के दूसरे किनारे पे है, मैं इस किनारे पे हूँ, हम चलते जा रहे हैं कि कहीं दोनों किनारे आपस में मिलें तो हमारी मुलाकात हो जाए। ऐसा हो नहीं रहा। तो बुज़ुर्ग ने कहा, ये दोनों किनारे आपस में कभी नहीं मिलेंगे, बल्कि इससे भी बड़े एक समुंदर में जाके दरिया गिरेगा जहाँ तुम्हारी पहुँच नहीं हो सकती। अलबत्ता मैं तुम्हारे इस मसले का हल निकालता हूँ। निकल पड़े सामने वाले किनारे, मुखालफ वाला दोस्त वो भी चल पड़ा और ये बुज़ुर्ग भी चल पड़े। एक थोड़ा सा मोड़ आया, बल्क आया दरियान में, तो सामने देखा कि रस्सों की मदद से एक पुल बनाया गया है। जब उसके करीब पहुंचे तो वो दोस्त जो था उसका तजस्सुस से सांस अटक गई,
कि अब तो मंजिल मुराद आ गई है, जिसको गले से लगाने के लिए, जिससे मोहब्बत का इजहार करने के लिए हमने इतना फासला तय किया है, अल्लाह ने एक वो कमाल उसका हल निकाला है। उस बुज़ुर्ग ने कहा, बेटा ये रस्सों की मदद से बनाया हुआ पुल है, और पुल बनाने वाले भी मोहब्बत वाले लोग थे, बस्ती के उस पार मेरे कुछ चाहने वाले रहते हैं, उन्होंने मिलने के लिए ये पुल बनाया था। दरिया के जब जोर पे आता था तो कईयों की जानें चली गईं, लेकिन उन वो पीछे नहीं हटे, उनकी मोहब्बत में इतना दम खम था कि उन्होंने उन रस्सों की मदद से पुल बना लिया। आज वो आते हैं, जाते हैं, हम मिलते हैं। बेटा, किसी भी किस्म की मोहब्बत या ताल्लुक को निभाने के लिए एक पुल की ज़रूरत होती है। अगर पुल नहीं है तो कश्ती चाहिए, कश्ती नहीं है तो फिर आपको तैराकी आनी चाहिए, लेकिन अगर ये कुछ नहीं आता तो फिर आपको अपनी मोहब्बत से, इखलास से एक पुल तामीर करना पड़ेगा, ताकि तुम टूटे हुए दिलों को आपस में जोड़ सको। हुमायूं भाई, जिस अहद में हम जिंदा हैं, जिस दौर में हम गुजर रहे हैं, आज हमारा अलमिया भी यही है कि हम हुजूम में रह के भी तन्हा हैं। हम एक दूसरे से मिलते हैं लेकिन दिल नहीं मिलते। वो आपने बड़ी अच्छी बात की नूर भाई, मैं आपका भी पूरा ये सुन रहा था इसमें, तो इसका मतलब ये आप कहना चाह रहे हैं कि अल्लाह तक पहुंचने के लिए भी एक पुल की जरूरत है। बेशक, मैं सही समझ रहा हूं जो बिल्कुल आप, बिल्कुल आप कहना चाह रहे हैं। आपने बजा फरमाया, क्योंकि ये देखें, ये पुल जो है दरअसल ये सबब है, ये वो जरिया है जिसके तहत आप अपनी मंजिल की तरफ पहुंचते हैं। हमें तौहीद का सबक जो मिला, हमें अल्लाह तक पहुंचने का जो हमारा जरिया बना, वो हमारे प्यारे पैगंबर आकाए नामदार मदनी ताजदार सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व बारक वसल्लम की ज़ात है। आका अलैहिस्सलाम ने ताइफ की गलियों में पत्थर खाए, लहू लुहान हुए, लेकिन जब अल्लाह के नाम की तबलीग का वक्त आया तो जिब्रील अमीन ने कहा कि अगर आप हुक्म दें तो ताइफ के इन लौंडों के ऊपर हम ये पहाड़ गिरा के इनको आपस में नेस्तो नाबूद कर दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मोहब्बत की वो दास्तान लिख रहा हूँ कि इनकी नस्लों से वो लोग पैदा होंगे जो अल्लाह की वहदानियत का इकरार करेंगे। दरअसल अल्लाह तक पहुँचने के लिए आपके दिल में मोहब्बत का पुल ज़रूरी है ना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी कुरान में फरमाया है, वातसिमु बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफर्रकु, और तुम मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो, ये वही रस्सी है जिससे पुल बनता है, और आपस में तफरका ना डालो। आज हमारे यहाँ जो एक नफसा नफसी का दौर है, जहाँ हम सब में रहते हुए भी अपनी जुदा ज़िंदगी गुजारने की ठानते हैं, उसकी सिर्फ वजह यह है हमारी मोहब्बत में इखलास नहीं है, और दुनिया की दौड़ ने हमें एक ऐसे सर्कल में बांध रखा है जहां हम एक दूसरे के मुकाबले नहीं बल्कि एक दूसरे से पीछे भाग रहे हैं और सिरा हाथ। आपने बड़ी अच्छी बात की नूर भाई, लेकिन अच्छा ये बताएं, हमारे रिवायात, हमारा कल्चर अगर हम देखें, हमारे पाकिस्तान में वैसे भी जॉइंट फैमिली सिस्टम का बड़ा एक रिवाज है। आप अगर हमें आप वेस्ट से कंपेयर करें तो हमें फैमिली का जोड़ हमारे यहाँ ज़्यादा होता है, तो फिर क्या वजह है कि आपके ख्याल में क्या वजह है कि हमारे यहाँ वो इखलास पैदा नहीं होता, हमारे यहाँ दिलों में ये जोड़ पैदा नहीं होता? हम अपनी ज़बान से तो बिल्कुल कहते हैं कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, तो ये फिर क्यों होता है कि हम अल्लाह की मानने को तैयार नहीं होते? तो इस आपका क्या ख्याल है? जी, मैं आपसे बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक, और ये लम्हा फिक्रिया है हम सब के लिए। यूरोप की हम बात करते हैं, मैंने भी बड़ा वक्त गुजारा है, तकरीबन 20-25 साल बाहर गुजारे हैं, लेकिन एक चीज़ की जो बरकत मुझे पाकिस्तान में और इस खित्ते में नज़र आती है, अपने सब कॉन्टिनेंट में, वो वहाँ नहीं नज़र आती। वो ये है कि हमारे यहाँ माँ बाप दोनों मिलके अपने 5, 7 या 10 बच्चों को पालते हैं, वो अपने जिस्म का कतरा कतरा निचोड़ कर उस मोहब्बत में मगलूब होकर उनकी परवरिश करते हैं, इस नतीजे से बेनियाज होकर कि ये बड़े होकर हमारी खिदमत करेंगे, रिटर्न होगा या नहीं होगा कोई नहीं सोचता। ये मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि जब माँ के दिल में आती है तो वह अपने जिस्म का रेजा रेजा अपने बच्चों पर कुर्बान कर देती है, जब बाप के दिल में जागती है तो वह अपनी उम्र का रेशा रेशा और अपने खून का कतरा कतरा अपने बच्चों की रिज्क के हुलूर और हुजूल और उनको पालने के लिए खर्च कर देता है। मसला आज यहाँ पे आके अटका है कि साहबो, हमारी जो ज़िंदगी है उसमें से इज्तमाईयत गुजर चुकी है, हम डिवाइसेस में खो के
अपने आप को तन्हा कर बैठे हैं। जो बाप बात पहले मैं अपने बाप से पूछता था और जिस मोहब्बत से मेरा बाप मुझे बताता था उसमें जो तासीर थी वो मेरे दिल पे असर करती थी। आज जो चीज़ मैं गूगल से सर्च करता हूँ वो मेरे दिमाग तक जाती है, लेकिन मोहब्बत का वो लम्स ना होने के बावजूद वो मेरे दिल में नहीं उतरती। नफ्सा नफ्सी हम में इतनी बढ़ चुकी है, तवक्कुल हटने की वजह से, तवक्कुल से दूर हटने की वजह से हम में ये एक छोटा सा, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि इस मुल्क में जितना फिर भी लोग गरीबों की मदद करते हैं, ये रमज़ान मुबारक है ना, ये महीना है जिसमें आप यकीन माने कि मैंने जो मांगने वाले गदागर हैं उन्हें भी देते देखा है। तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें ये मुल्क दिया। इसमें हमारे जो रस्म व रवाज हैं वो बेशुमार मुल्कों से बहुत आला और मोहब्बतों में भी। अच्छा ये बताएं नूर भाई, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बातें की और अल्लाह करे हमें इस पे अमल करने की तौफीक हो। ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ऐसे अखलाक के अल्लाह कुरान में तारीफ फरमा रहे हैं कि मेरे नबी आपके बेहतरीन अखलाक हैं, और हमारे नबी फरमा रहे हैं कि आखरत के दिन तुम्हारे पलड़े में सबसे जो भारी अमल होगा वो अच्छे अखलाकियात होंगे। अगर अल्लाह के नबी के अखलाकियात का जायज़ा लिया जाए और सीरत नबी का जायज़ा लिया जाए तो अल्लाह के नबी ने जो जो अच्छे अखलाक जो अपनाए वो सहाबा को सिखाए गए, उनकी तालीम दी गई। मैं अगर बात करूँ तो झूठ से बचने का हुक्म, सिला रहमी करने का हुक्म, एहसान का हुक्म, ईसार का हुक्म, अपने माँ बाप के साथ प्यार मोहब्बत से और बड़े एहतराम से उनका एहतराम करने का हुक्म, सखी होने का हुक्म, कंजूसी से मना किया गया, ये सारे जो आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अच्छे अखलाकी पहलू थे ये माशाल्लाह हमारे माशरे में सब जानते हैं। तो आपके ख्याल में फिर क्या वजह है कि ये जो अखलाकियात हैं ये आम नहीं होते आपकी नज़र में, कि आपके ख्याल से क्या वजह है? बड़ी अच्छी और लम्हा फिक्रिया भी है हमारे दरमियान। नबी अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है, आपकी सीरत है, वो क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए एक वाज़े और रोशन मिसाल है। नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का पैगम्बर, जो कि एक बहुत बड़ा रुतबा, और वो भी आखिरी पैगंबर और फिर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये रुतबा कोई छोटा रुतबा नहीं है। इस रुतबे के ऊपर कायनात के तमाम जितने बड़े बड़े मरातब हैं वो आपके नालेन पाक के नक्श के ऊपर कुर्बान, इतनी अल्लाह ने आपको दी। नबी अलैहिस्सलाम बयक वक्त अल्लाह के रसूल भी थे, एक नहायत कामयाब और शफीक शौहर भी थे, एक बहुत अच्छे बाप भी थे, एक नहायत दयानतदार ताजर भी थे, एक कामयाब सिपा सालार भी थे, आका अलैहिस्सलाम एक बहुत अच्छे मुअल्लिम भी थे। यानी इतनी सिफात, और ये जितनी सिफात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दी वो अपनी उम्मत में उन्होंने तकसीम की। सहाबा की ज़िंदगियों को आप देखें, ऐसे ऐसे हीरे तराशे गए और उनके अमल से आका अलैहिस्सलाम के अमल की और हुजूर की सीरत की खुशबू आती थी। हम तक भी जो दीन पहुंचा ये बड़े इखलास से पहुंचा। हमारे आइम्मा ने, हमारे सूफिया ने दीन को बड़े इखलास और बड़ी मेहनत से एक अच्छी शक्ल में हम तक पहुंचा। तो नूर भाई, फिर आप ये समझते हैं कि आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत की तालीम बहुत ज़रूरी है। देखिए हमारे जो आजकल का माशरा है इसमें अगर हम अपना सेलेबस देखें, कैरिकुलम देखें हमारे यहाँ का, तो इसमें सीरत नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी तालीम नहीं है। हैं सरसरी बातें हैं लेकिन उनकी सीरत के पहलू और उनकी सीरत के वो सारे अच्छे अखलाक वाले पहलुओं से हम काफ़ी हद तक ना आशना भी हैं और हमारी तालीम में भी शामिल नहीं है। तो आपका फिर कहने का मकसद ये है कि इस सीरत नबी की तालीम भी ज़रूरी है, देखें, और जो उनके अच्छे अखलाक हैं उनके फवायद को भी उजागर करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम एक ऐसा माशरा हैं कि हम ज़्यादातर ये सोचते हैं कि हर अच्छा काम करने का सवाब क्या मिलेगा हमें। तो मैं फिर इसी मेरा अपना पर्सनली ये ख्याल है, आप इस पर रोशनी डालें, कि अगर आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अखलाकियात की फवायद भी बताए जाएं लोगों को कि उसका दुनिया में क्या फ़ायदा है। यानी जैसे झूठ है,
अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरा उम्मती सब कुछ कर सकता है लेकिन झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन हमारा, हम जिस तरह के आजकल के एक माशरे में हैं, हमें ये भी कहा जाता है कि यार डिप्लोमेसी झूठ बोलना, जो डिप्लोमेसी है झूठ बोलना नहीं। और अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो इंसान एक बात और भी कही जाती है, ये तो छोटा सा झूठ है, ये कोई बहुत बड़ा झूठ तो नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होगा। और अल्लाह के नबी ये फरमा रहे हैं कि जो झूठ बोलता चला जाता है तो अल्लाह के पास झूठा लिख दिया जाता है। बिल्कुल। और झूठ में खैर नहीं। तो नूर भाई ये बताएं कि ये जो अल्लाह के नबी की तालीमात हैं, इनको हम किस तरह से, इनके फवाइद को उजागर करें और इनको किस तरह से आम करें। एक ओपिनियन ये भी है, बल्कि वेस्ट में तो बहुत ज़्यादा है, मैं हर साल 4-5 दफ़ा मेरा वेस्ट अल्लाह मुझे ले जाते हैं, वहाँ मेरी बहुत लोगों से बात करने को मिलता है, US, यूरोप, अफ्रीका की साइड पे। बाज़ लोगों से ये ओपिनियन आता है कि आप अगर आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अच्छी चीज़ों को किसी इंटरटेनिंग वे में पेश करें, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि इंटरटेनिंग वे में कैसे पेश किया जाए जिससे बच्चे अट्रैक्ट हों। तो आपका क्या इसके ऊपर ओपिनियन है? देखें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सारी ज़िंदगी अमल है। आप कोई भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो अमल किया है उसके या उसके लिए हुक्म फरमाया है, तो हमारे लिए उसका तकली उसको मानना करना जरूरी। मैं आपको वेस्ट की आपने बात की तो मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरी एक क्लाइंट जिससे मैं, जो हमसे एडवर्टाइजिंग का वो करवाती है, वो एक चर्च की राहिबा है। और वो एक मरतबा आई तो मैंने उसको बहुत तकरीम दी, वो ज़ाहिर है ज़ईफ़ुल उम्र थी, तो उसने कहा कि तुम इतने मेहरबान मुझ पर क्यों हो? तो मैंने कहा कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा है कि जो तुमसे उम्र में बड़ी हैं वो तुम्हारी माँ का दर्जा रखती हैं, मुझे तुम्हारे चेहरे में से अपनी माँ की शक्ल नज़र आती है, इसलिए कि तुम एक माँ हो, तुम एक औरत हो और मेरी माँ भी एक औरत और माँ है, लिहाजा मुझे तेरे चेहरे में से, तुम्हारे खदो खाल में से अपनी माँ का चेहरा नज़र आता है। और नबी अलैहिस्सलाम, मेरे नबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब मैंने सारी बातें बताईं तो मैंने देखा कि दो आंसू दोनों तरफ से टपक के उसके रुखसारों पे आ गए और उसने कहा ऐसा है? मैंने कहा हाँ ऐसा है। और जो इससे आगे की बात है, मैंने कहा अगर आपको वो बताऊं तो वो आपके लिए हैरान होगी, मेरी माँ की उम्र जब 80 साल थी तब भी मेरे घर में वो उसी दबदबे और रोब के साथ रहती थी जब जिस तरह वो जवानी में रहती थी। उसको मेरे मजहब ने, मेरे कल्चर ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात ने उसको मेरे घर में और घर की चीज़ा चार दीवारी में इतनी अहमियत दी है कि वो अपने घर में की सरबरा है। हमें जब तक आका अलैहिस्सलाम की सीरत से इक्तसाब फैज़ नहीं करेंगे, जब तक हमारे घरों में ये रवाज नहीं होगा, क्योंकि एक सबसे बड़ी एक जो बीमारी होती जा रही है, पहले हम लोग, हमारे बचपन में याद है कि कम अज़ कम एक वक्त मगरब का ऐसा आता था हम अपने वालदैन और बहन भाइयों के साथ मिल के खाना खाते थे। खाना खाने के दौरान या इस अमल के दौरान अगर वो कोई नापसंदीदा हरकत देखते थे तो हमें कहते थे देखो ऐसे ना करना, अल्लाह के नबी ने खाना इस तरह खाया। सूरत बात ठीक। आप नूर भाई ये कहना चाह रहे हैं कि दीन को रवाज में डाला रवाज दिया जाए। बिल्कुल। अब मेरे ख्याल है ब्रेक ले लें। हाँ, मैं बिल्कुल, ब्रेक का तो वक्त हो गया, लेकिन मैंने कहा कि ब्रेक पे जाने से पहले इनसे जरूर पूछूं कि आज आपने क्या लफ्ज जो है वो तहरीर किया है। मैंने अभी शुरू किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इसमें जलालत, और चूंकि अभी आज पहला दिन है, अभी इसका एक सिर्फ मैंने खाका बनाया है और इसके बाद इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसमें मैं रंग भरूंगा और बहुत सारी चीज़ें इसके अतराफ में लिखूंगा। वैसे राफिया, इन्होंने हमसे एक वादा भी किया हुआ है, आपको पता है ना कि 30 दिन के बाद हमें बेसिक कैलीग्राफी आपने सिखानी है। बिल्कुल, जरूर सीखेंगे। बिल्कुल, चलिए फिर हम एक काम करते हैं कि हम अभी ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अलाहि रसूलिहिल करीम। तमाम देखने वालों, सुनने वालों, रमजान सब्र का महीना
आजमाइशों और इम्तिहान का महीना भी है। इस महीने में अल्लाह हमारी सब्र व शुक्र की तरबियत फरमाते हैं, और जब सब्र व शुक्र की मैं बात करूं, तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ज़र्ब मिसल, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप सलातो वस्सलाम को सब्र व शुक्र का वो मकाम अता फरमाया कि रहती दुनिया तक के लिए आप लोगों के लिए एक मशल राह बन गए। अल्लाह ताला ने जूँ जूँ आप सलातो वस्सलाम की आजमाइशें बढ़ाई, वैसे ही उनकी इबादत और रियादत बढ़ती चली गई, यहाँ तक के सुबह और शाम हर लम्हे याद इलाही में सर्फ होता था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी, तो इस तरह आप हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासे भी हुए। आप खलीज अकबा के शुमाल और बहरे मुर्दार के जनूब मगरिब में अदूम के रहने वाले, बाज़ लोग इसको अदूम भी कहते हैं, बाज़ लोग इसको अदाम भी कहते हैं, अदूम के रहने वाले थे। याकूत हमवी के राह में मुताबिक अय्यूब अलैहिस्सलाम का मस्कन बिस्निया है, ये शाम का एक कदीम कस्बा है। बिस्निया का इलाका आला किस्म की गंदम की पैदावार के लिए मशहूर था, जो बिस्निया ही कहलाती थी। आप सलातो वस्सलाम नहायत अमीर व कबीर थे, अल्लाह ताला ने माल व दौलत, जायदाद, शानदार महलात, नौकर चाकर और कसीर औलाद से नवाजा था। कुरान पाक में अल्लाह सुबहाना व ताला ने आप सलातो वस्सलाम का जिक्र चार सूरतों में फरमाया है, सूरह निसा, सूरह इनाम, सूरह अंबिया और सूरह स्वाद। सूरह निसा और सूरह इनाम में दीगर अंबिया कराम सलातो वस्सलाम अजमाइन के साथ हज़रत अय्यूब का जिक्र फरमाया गया, लेकिन सूरह अंबिया और सूरह स्वाद में आप सलातो वस्सलाम पर आने वाले सख्त तरीन आजमाइशों और सख्त तरीन हालात और उन पर सब्र शुक्र का जिक्र अल्लाह ने फरमाया, और फिर अल्लाह ने आप पर बेहतरीन इनाम का जिक्र फरमाया। मुहक्किकीन ने लिखा है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़माना हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान का ज़माना है, यानी तकरीबन 1300 से 1500 साल कबल मसीह के दरमियान का ज़माना। हज़रत इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 लड़के और 7 लड़कियां थीं, जो सब आप सलातो वस्सलाम पर आने वाले आजमाइशों के दिनों में इंतकाल कर गए। जब अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइशें ख़त्म की तो उन्हें मज़ीद औलाद अता फरमाई गई। इलामा इब्ने कसीर फरमाते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम को अल्लाह ताला ने बहुत माल और दौलत, ज़मीन और जायदाद, मवेशी, ग़ुलाम और औलाद अता फरमाई थी। फिर जब आपको आजमाइशों में मुबतला किया गया तो ये सब चीज़ें वापस ले ली गईं। उन्हें तरह तरह की बीमारियां लाहक हो गईं, और मारुफुल कुरान में तहरीर फरमाया गया कि आपकी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को एक शदीद मर्ज लाहक था, लेकिन ये जिक्र नहीं हुआ कि बीमारी क्या थी। बहरहाल इन तमाम मुसीबतों, मुश्किलात और बीमारियों के बावजूद आप नहायत साबिर और शाकिर साबित हुए। अल्लाह अज़्ज़ोजल से सवाब के लिए आस लगाए बैठे रहते थे, दिन और रात जिक्र करते, कोई साथ ना बैठता था, दोस्त अहबाब भी वहशत की वजह से दूर हो गए, हत्ता के लोगों ने आप सलातो वसलाम से मिलना जुलना बंद कर दिया, और सिवाय बीवी के कोई भी गमखार ना रहा जो उनका बेहद ख्याल रखते और उनकी खिदमत में लगी रहती। फिर जब बीवी को खिदमत करते तवील अरसा गुजर गया, तो एक मरतबा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से ने अल्लाह से दुआ की, उनकी बीवी ने उनको मशवरा दिया कि आप अल्लाह से दुआ फरमाइए
कि अल्लाह ताला आपके मुश्किलात में आसानी पैदा फरमाए और आपको मसाहिब से रिहाई अता फरमाए। इस पर आप सलातो सलाम ने हैरतअंगेज़ जवाब दिया और फरमाया कि मैं 70 साल तक सही सालिम रहा तो कम से कम अल्लाह के लिए 70 साल सब्र तो कर लूँ। ये सुनकर बीवी खामोश हो गई और खिदमत जारी रखी। हजरत अंस बिन मालिक रदी अल्लाह ताला अन्हों से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में शदीद तरीन आजमाइशें अंबिया अलैहि सलातो वस्सलाम पर आई हैं, और फरमाया आदमी आजमाइश में अपने दीन के बकदर मुब्तला होता है, लिहाजा अगर वो अपने दीन में मजबूत होगा तो उसकी आजमाइश भी ज़्यादा होगी। आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे नबी, अगर आप चाहें तो आपके लिए उहद के पहाड़ को सोना बना दिया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अल्लाह, मुझे ये मंजूर है कि मैं एक वक्त एक दिन खाना खाऊं और तेरा शुक्र अदा करूं, तेरी बढ़ाई बयान करूं, और दूसरे दिन मैं खाली पेट हूं ताकि मैं तेरा शुक्र अदा कर सकूं और उस पर मैं सब्र कर सकूं। तो मेरे भाइयों, सुनने वालों, ये हमारे दीन का मिजाज है। मैंने बड़ों से सुना कि अल्लाह जब किसी पर एहसान का मामला करते हैं तो अल्लाह उस पर हालात भेजते हैं, अल्लाह उसको मुश्किलात में डालते हैं, और मकसद अल्लाह का ये नहीं होता कि आपको तकलीफ़ पहुंचाई जाए, मकसद ये होता है कि आपके अंदर सब्र और शुक्र के जज्बों को बेदार किया जाए। और सब्र और शुक्र बेदार करने का मकसद क्या, ताकि अल्लाह का कुर्ब हासिल हो और आप अल्लाह से जुड़ने वाले बन जाएं। तो मैं जिक्र कर रहा था हज़रत अय्यूब अलैहि सलातो सलाम के, और उनके दो भाई भी थे। एक दिन आप सलातो सलाम से मिलने आए तो बीमारी की वजह से करीब ना आए और दूर खड़े हो गए। फिर एक दूसरे से कहा, अगर अल्लाह ताला अय्यूब में कोई भलाई या खैर जानता तो इस तरह तकलीफ में मुब्तला ना करता। ज़रा सोचिए कि सब्र और शुक्र का मिंबर क्या हमारे लिए मशले राह। इतना सब्र कि आपके सगे भाई आकर आपको ताना दें और आपसे कहा जाए कि अल्लाह ताला को इनके लिए आसानी मंजूर नहीं है, तभी अल्लाह ताला ने इनको इस तकलीफ़ में डाला हुआ है। इस बात से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर गमज़दा हुए कि कभी किसी बात से इतनी तकलीफ़ ना हो। आप सलातो वस्सलाम ने फौरन बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ के लिए हाथ बुलंद कर दिए। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि जब उन्होंने अपने परवरदिगार से दुआ की, या अल्लाह, मुझे तकलीफ़ हो रही है, तू सबसे बढ़कर रहम करने वाला है, तो हमने उनकी दुआ को कबूल किया और उन्हें जो तकलीफ़ थी वो तकलीफ़ को दूर किया और उनको फिर बाल बच्चे भी अता फरमाए और अपनी मेहरबानी से उनके साथ उतने ही और उनको नेमतों से नवाजा। ये अल्लाह की सुन्नत है। अल्लाह ताला तकलीफ़ में हमें इसलिए नहीं डालते कि अल्लाह को हमारी तकलीफ़ मंजूर है। अल्लाह तो हमसे माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। अल्लाह जब तकलीफ़ में डालते हैं, जो साबिर बनकर अल्लाह की इबादत करता है, जो इखलास से और इस नीयत से अल्लाह की इबादत करता है कि या अल्लाह, भलाई भी तेरी तरफ से आती है, या अल्लाह, गम भी तेरी तरफ से आता है, या अल्लाह, तकलीफ़ें भी तेरी तरफ से आती हैं, तो इंसान जब इखलास से इस सब्र के साथ इन तकालीफ में अल्लाह से रुजू करता है तो फिर अल्लाह का गैबी निज़ाम चलता है। फिर अल्लाह ताला उसको उसके सब्र के सदक़े में, अल्लाह ताला उसकी इबादत के सदक़े में जब उसको नवाजना शुरू करते हैं तो उसकी फिर कोई लिमिट नहीं। तभी अल्लाह से मांगना चाहिए, या अल्लाह, मेरे से वो मामला फरमा जो तेरी शान अकबर के मुताबिक है, और मुझसे वो मामला न फरमा जिसका मैं गुनाहगार कमज़ोर इंसान मुस्तहिक़ हूँ।
तो इबादत करने वालों के लिए नसीहत है। कुरान करीम में एक और जगह इरशाद है, हमारे बंदे अय्यूब अलैहिस्सलाम को याद करो जब उन्होंने अपने रब को पुकारा कि ऐ अल्लाह, शैतान ने मुझको तकलीफ़ दे रखी है। हमने कहा ज़मीन पर पाँव मारो, देखो ये चश्मा निकल आएगा, नहाने के लिए ठंडा पानी और पीने के लिए शीरीन पानी। सुभान अल्लाह। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की दुआ बारगाह इलाही में कबूल कर ली गई। उन्होंने अपना पाँव ज़मीन पर मारा और जहाँ से ठंडा और शीरी पानी का चश्मा फूट पड़ा। आपने अपने कमज़ोर और लागर जिस्म को गोया इस चश्मे के पानी पर डाल दिया। जैसे जैसे जिस्म पर पानी पड़ता रहा, जिस्म में तवानाई आती रही और आप सलातोसलाम देर तक नहाते रहे, यहाँ तक के मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो। तो मेरे दोस्तों, इसमें हमारे लिए सबक क्या है? इसमें हमारे लिए सबक ये है कि जब अल्लाह की तरफ से कोई हालात आए, जब अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ आए, तो आपने घबराना नहीं है। आपने अपने दिल को समझाना है कि ये तकालीफ अल्लाह की तरफ से आई हैं। और जैसे अल्लाह कुरान में बार बार कहते हैं, ना अच्छे हालात हमेशा रहते हैं और ना बुरे हालात हमेशा रहते हैं। इन तकालीफ में हम जितना अल्लाह से रुजू करेंगे, हम जितना अल्लाह से कुर्बत का सवाल करेंगे, उतना ही हमारे दर्जात बुलंद होते जाएंगे और उतना ही अल्लाह हमारे अंदर सब्र अता फरमाते जाएंगे। और अल्लाह साबरीन के साथ हैं। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी वेलकम बैक हमारी खास ट्रांसमिशन में, सहरी की खास ट्रांसमिशन में। और अब जो वक्त है वो एक बहुत ही ख़ास सेगमेंट का है जिसका नाम है जी दुआ और दवा। इसमें हम बात करेंगे दुआ के हवाले से भी और दवा के हवाले से भी। रमज़ान का ये जो महीना है, इसमें हम लोग बहुत जिक्र, स्कार, दुआएं, ये हर वक्त हमारी ज़बान पे रहती हैं और हम कोशिश करते हैं कि भरपूर तरीके से जो है इस महीने हम लोग जितनी हमारे जो कुछ हम कर सकते हैं, जितनी इबादतें कर सकते हैं, जितनी दुआएं मांग सकते हैं वो करें। तो उस हवाले से बात होगी। फिर उस दुआ के लिए फिर आपके अंदर एक एनर्जी भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग जो हैं शुरू के 2 दिन 3 दिन 4 दिन बड़ी एनर्जी के साथ जो है वो सब कुछ कर रहे होते हैं, उसके बाद वो कहते हैं हमें रोज़ा लग रहा है या फिर हमारे अंदर वो एनर्जी लेवल नहीं है। तो हम ये सब चीज़ें कैसे मेंटेन करें कि पूरे महीने हम इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठा सके? तो हमारे पास हमारे स्कॉलर्स मौजूद हैं जी डिफरेंट फील्ड से। सबसे पहले मैं आपको मिलवाना चाहूँगी डॉक्टर मोइज़ हुसैन, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट, हर हवाले से बड़ी बेहतरीन गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको भी सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर। एक तो आप लोगों को मुबारकबाद, मैं आया सेट देख के बड़ा खुश हुआ और पूरी टीम काम कर रही है, अल्लाह ताला कामयाब करे आपके इस काम में। आमीन आमीन। और डॉक्टर साहब के बिल्कुल साथ बैठे हुए हैं डॉक्टर अपना आगा मिन्हाज साहब। और आगा मिन्हाज साहब किसी तारुफ के मोहताज तो है नहीं, माशाल्लाह। ये कुरान से अस्कार और बहुत सारी बीमारियों के इलाज कुरान की सूरतों से तजवीज़ करते हैं। और अल्लाह तो ख़ुद फरमाते हैं कुरान में कि अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ की शिफा रखी है। तो ये डॉक्टर आगा मिन्हाज साहब। अच्छा जी, इनके बिल्कुल साथ मौजूद हैं और मेरी बहुत ही फेवरेट हैं, बिकॉज कभी भी इनके पास से मैं नाउम्मीद नहीं, कहते ना निकले नाउम्मीद हो जाते हैं आप चीज़ों को लेके कि नहीं कोई हल नहीं मिला, कोई बात नहीं मिली। आपकी सेहत का ख्याल पूरे रमज़ान में आपको चाको चौबंद रखने की टिप्स हमको मिलने वाली है हमारी ब्यूटी एंड हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मुबशरा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा, आप इनसे मुस्तफीद हो चुकी हैं? बहुत बार। अच्छा जी, हम सबसे पहले अपनी गुफ्तगू का आगाज जो है वो प्रोफेसर मोइस करेंगे। सर, सारी बातों से पहले आप ये बताएं कि हमारी
आप माइंड साइंसेस से आपका तो बहुत गहरा ताल्लुक है, सबसे बेहतरीन तरीके से आप बता सकते हैं. रोज़ा जो हम रखते हैं तो सहरी से अफ्तार तक जो हम भूख और प्यास का जो वक्त गुजारते हैं और उसमें इबादत करते हैं, उसका हमारी साइकोलॉजी पे क्या असर पड़ता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम जी. सलाम देखने वाले और सुनने वालों को सलाम. देखिए जी, पहली तो चीज़ ये कि इंसान की जो असल हकीकत है वो उसके ब्रेन में है. मौलाना रूमी का जिक्र हुआ था. मौलाना रूमी का एक बड़ा खूबसूरत शेर है, तुम्हारी असल हकीकत तुम्हारी सोच है, बाकी सब हड्डियां और गोश्त. अरे वाह. इंसान का पूरा वजूद कहाँ है? बिल्कुल. आपकी आइडेंटिटी, आपका इल्म, आपका ईमान, आपकी माँ बाप, आपकी औलाद, आपका घर, आपका पैसा, सब यहाँ है. तो यहाँ अगर सब कुछ ठीक होगा तो ये कंट्रोल करता है पूरा जिस्म. आप कभी नोटिस करें कि इंसान को जब एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटी यानी बेचैनी एक्सप्रेस होती है जिस्म में. दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, उठेगा बैठेगा चलेगा समझ नहीं आएगी. तो एंग्जाइटी एक सोच एक ख्याल से शुरू होती है. अभी मैं एक साहब से बात करके आया हूँ, कैनेडा से थे, 72 इयर्स उनकी एज है, सऊदीया में रहते थे, बड़े साल रहे वहाँ पे, जॉब किया, पैसे कमाए. ऑल ऑफ अ सडन 8 साल पहले डिसाइड किया कि मैं कैनेडा चला जाता हूँ. बीवी बच्चों के साथ कैनेडा आ गए, नेशनैलिटी ये सब कुछ. अब प्रॉब्लम ये हो गया कि कैनेडा आने के बाद जो हार्डशिप जो मुश्किलात उनको पेश आई, अब वो पछतावे में है कि मैंने गलती की. अच्छा भाई, गलती हो गई, अब आप उसको चेंज नहीं कर सकते. दूसरा कि कल मैं मुझे कुछ हो गया तो मेरी बीवी का ख्याल कौन रखेगा? बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने घरों पे चले गए. अब यहाँ से मैं समझाना चाहता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. हमारी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि या तो हम माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल में रहते हैं. अल्लाह ताला जब जन्नत को डिफाइन करता है, देखिए बड़ी कमाल की चीज़ है, बड़ी गहरी बात आप कह रहे हैं, माजी में रहते हैं मुस्तकबिल में. अल्लाह जब जन्नत को डिफाइन करता है तो आमतौर पर हम कहते हैं कि हुरे होंगी, दरख्त होंगे, नहरें होंगी, सब कुछ है. कैफियत क्या होगी वहाँ पे? इंसान की एग्जिस्टेंस जो उसका वजूद होगा उसकी कैफियत क्या होगी? कैफियत ये होगी कि ना माजी का पछतावा होगा ना मुस्तकबिल का खौफ होगा. यानी वो अमन का एक लेवल होगा कि जिस अमन में ना माजी होगा ना पास्ट होगा. वो लम्हा जो इंसान जिएगा वो लम्हा ही मुस्तकिल होगा उसके लिए. क्या बात, कितनी कमाल की बात है. जब कहीं पे भी टाइम होता है, वक्त होता है, वहाँ स्पेस होती है. स्पेस होगी तो टाइम होगा और टाइम होगा तो स्पेस होगा. तो जन्नत फिर कोई ऐसा मकाम है जहाँ स्पेस नहीं है चूँकि टाइम नहीं है. तो मतलब अगर इंसान गौर व फिक्र करे. मैं वहाँ बैठा सुन रहा था, आपने बड़ा खूबसूरत एक सवाल पूछा था हमारे एक साहब से जो बड़ा खत्ताती करते. अच्छा, वो सवाल का जवाब मेरे ख्याल में बातों बातों में चला गया. सवाल ये आता कि सब कुछ हमारे पास है फिर भी आज हमें प्रॉब्लम क्यों है? आपने ये पूछा था. प्रॉब्लम दीन का ना होना नहीं है. हम सब दीन को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, रसूल को मानते हैं, सबको मानते हैं. दीन की समझ नहीं है. किस कौन सा ऐसा मुसलमान है जिसके घर पे कुरान ना हो? सबके पास कुरान. अब कुरान पढ़ना तो बरकत है, मगर असल जो मरहला है वो है कि कुरान को पढ़ के समझ कर गौर व फिक्र कर मुशाहिदा करके इस कायनात में रब की वो कुदरत को तलाश करे जिसके लिए इंसान को दुनिया में भेजा. अच्छा वाह, व्हाट एन एक्सप्लेनेशन. कायनात के खालिक ने ये जो कायनातें बनाई है उसमें उसका वजूद कहाँ है? तो वो उस वक्त मुमकिन है जब इंसान गौर करेगा, तजस्सुस होगा, मुशाहिदा करेगा. हमने वो बंद कर दिया. हमारा महवर दीन का इल्म था, इल्म हमारे दीन से अलग कर दिया हमने. तो आज जब अगर हम दीन के साथ चलना चाहते हैं तो हमें इल्म हासिल करना होगा. ये सिंपल सी चीज़. तो इल्म का ताल्लुक यही दिमाग से है. तो अगर यहाँ शांति हो, यहाँ सुकून हो, यहाँ इत्मीनान हो, तो फिर जिस्म जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा. लोग आराम से रोज़ा रखते हैं जिनको इत्मीनान कल्ब हासिल होता है, अल्लाह पे तकवा और यकीन होता है. और बाज़ लोग शायद इसलिए भी नहीं कर पाते कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है, करूँ ना करूँ, क्या होगा ये होगा, तो वो जिस्म पर फिर वो बर्दाश्त नहीं होती. तो मेरे ख्याल में जहन अगर तैयार हो जाए और यही ईमान है, यही यकीन है, तो फिर जिस्म आपका रिस्पॉन्ड करेगा. सही बात है. बहुत सारे लोग शायद इस वजह से कभी कभी रोज़ा जो है वो नहीं भी रख पाते, छोड़ देते हैं. वो डरते हैं कि अगर उन्होंने रोज़ा रखा तो शायद उनकी एनर्जी लेवल जो है बाकी सारा दिन वैसा नहीं होगा, और जब नहीं होगा तो वो कमा नहीं पाएंगे, अपना रिस्क नहीं कमा पाएंगे. जबकि ऐसी कोई बात नहीं, जबकि खुराक का ताल्लुक एनर्जी से नहीं है. बिल्कुल. कोई शख्स जरा सा खा के भी बड़ा ताकतवर रहता है, और कुछ लोगों के दस्तरखान पे हजारों किस्म के खाने,
फिर भी वो बीमार के बीमार होते हैं। वो सोचते हैं फिर उनकी साइकोलॉजी वैसे ये बिल्कुल, सारी चीजें मतलब आप डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ खा रहा हूँ तो मेरे दिमाग को मुझे मैसेज देना चाहिए कि मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। देखिए जो बिस्मिल्लाह का कॉन्सेप्ट है ना कि खाने से पहले आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं क्या होता है, उसूलन बिस्मिल्लाह पढ़ते ही हमारी ज़हनी और जज्बाती कैफियत तब्दील हो जानी चाहिए, वो नहीं हो रही तो हम सिर्फ जबान से अदा कर रहे हैं, उसका असर कल्ब पे नहीं होता। अगर होता तो वो खाना जो है चाहे दाल हो उसमें वही ताकत होती जो मुर्गी में होती, मगर नहीं हो रहा। तो आप ये कह रहे हैं मेहनत ही होनी चाहिए कि जबान से दिल में उतरे तब अमल में आए। तब अमल में सही। माइंडफुल ईटिंग भी कहा जाता है। माइंडफुल ईटिंग। अगर मिराज साहब आपकी हमने आप मेरे से कहा आप तो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं, आपके लिए मेरे पास कुछ सवाल कुछ लोगों की कॉल्स आ रही हैं। जी जी। तो ये कॉल्स जिस तरह आई हैं जो सवाल वो पूछ रहे हैं तो एकदम से एहसास होता है कि आगा मिनाज साहब तशरीफ़ ले आए। जज़ाकअल्लाह। तो आपके लिए पहली एक कॉल है, इकबाल साहब हैं कोई और उनकी वालदा का नाम है रुबीना बीदी बीबी। वो कह रहे हैं कि जायदाद उनकी उनकी जायदाद जो है उसमें उनको कोई मसाइल आ रहे हैं तो और कोई कर्ज भी उन पर चढ़ा हुआ है, तो वो फरमा रहे हैं कि इसके लिए कोई वजीफ़ा है कुरान से तो उनको बताएं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से तमाम दुनिया के मुसलमानों को तमाम दुनिया के इंसानों को रमज़ान शरीफ मुबारक हो और अल्लाह तबारक व ताला इस माह मुबारक को हम तमाम मुसलमानों के लिए तमाम इंसानियत के लिए मगफ़रत का ज़रिया बनाए। और ये हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न का माशाल्लाह एक खासा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बरसों से मैं यहाँ पर इस ट्रांसमिशन का हिस्सा रहता हूँ, यहाँ पर बैठ के अल्हम्दुलिल्लाह कुरानी वज़ाइफ़ लोगों को दिए जाते हैं, पूरी दुनिया में हर जगह माशाल्लाह इतना सिर्फ इस ट्रांसमिशन को सराहा जाता है, पसंद किया जाता है, देखा जाता है गलियों में कूचों में पूरी दुनिया के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे पाकिस्तान टेलीविज़न जो है ये माशाल्लाह रमज़ान शरीफ की इस सहर ट्रांसमिशन को और इफ्तार ट्रांसमिशन को बड़े खूबसूरती से सजाता है। अब आते हैं जी सवाल के जवाब की तरफ। आपकी इजाज़त से मेरे उस्ताद मोहतरम माशाल्लाह यहाँ पे प्रोफेसर मोइज़ हुसैन साहब तशरीफ़ फरमाए जो मेरे बिल्कुल बड़े भाई और बाप की तरह मैं इनको दर्जा देता हूँ और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत ट्रांसमिशन कर रहे हैं। माशाल्लाह आप दोनों अल्लाह तबारक व ताला आप लोगों को मजीद रिफ़तों से मालामाल फरमाए बुलंदी आता फरमाए। अभी हमें 30 दिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ गुजारने। सूरह बकरा जो है वो कुरान पाक की 2.5 पारे की तकरीबन एक सूरह है और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरह मुबारका है ये जिसको सूरह बकरा कहते हैं। जब भी आपके घर में कोई मुश्किल हो कोई परेशानी हो कोई जगह आप बेचना चाह रहे हो ना बिक रही हो किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम आपके घर के अंदर हो तो सूरह बकरा की अगर आप तिलावत करते हैं और उसके ऊपर पानी के उसको दम करते हैं और पूरे घर में पानी का स्प्रे करते हैं किचन बाथरूम को छोड़ के हर कमरे के चारों कोने के अंदर पानी का स्प्रे करें दिन भर कसरत से दुरूद पाक पढ़ें और ये माह मुबारक का जो रमज़ान शरीफ का जो महीना है इसके अंदर आखिरी अशरे का हमें इंतज़ार नहीं करना, बावजू रहें कसरत से दिन भर पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये पढ़ें और साथ सूरह बकर शरीफ का घर में जो है वो ख़त्म करवा लें पानी पे दम करें और इंशाल्लाह स्प्रे करें अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गड़ा कर दुआ मांगें। ये माह मुबारक में जितनी दुआएं परवरदिगार से मांगेंगे और इंशाल्लाह वो कबूल होंगी मगफिरत का ज़रिया बनेंगी बख्शिश का ज़रिया बनेंगे और दुनिया के तमाम मसाइल जो आपके उलझे हुए हैं परेशान हैं कर्ज हैं खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोलेगा वो कभी भी मकरूज़ नहीं होगा ये हुजूर पाक अलैहि सलातो सलाम का फरमान है अलीशान है। तो इंशाल्लाह इसको फॉलो कीजिएगा इंशाल्लाह बहुत कामयाबियाँ मिलेगी। क्या बात है। अच्छा मैं आपकी बात से एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी। आपने कहा कि वो पानी पड़ के पूरे घर में आप छिड़कें और बाथरूम और किचन को छोड़ के किचन की बात मैंने आज तक कभी सुनी नहीं थी तो किचन आपने क्यों उसमें शामिल किया। असल में जिस जगह पर हम सोते हैं रात को जिन कमरों के अंदर हम इबादतें करते हैं जहाँ पर हमारे मेहमान एंटरटेन होते हैं जहाँ पे हमारे यहाँ वॉश बेसन और पानी के नल इस तरह के नहीं होते तो ये वहीं पर ये पानी जो है हर कमरे के चार कोनों के ऊपर इस तरह स्प्रे करना है कि पानी ज़मीन के ऊपर ना गिरे। और ये सूरह बकरा साथ हमारे घर में हुफाज होते हैं तो अगर हम मौलवी साहब साथ हुफाज को बुलवा कर अच्छी नशिस्त के अंदर एक ही नशिस्त में साथ सूरह बकरा का ख़त्म करवा लें या सारे घर के घर में बहन भाई आपस में बैठ जाएँ अहलो याल क्योंकि कुरान पाक का सही पढ़ना जो है ना वो असल में है इसको हमें रट कर इसको साथ सूरह बकरा को निमटाना नहीं है इसको बहुत अच्छी अदायगी के साथ पढ़ कर और इस नीयत के साथ पढ़ के कि हदीस मुबारक का मफहूम है कि
जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शरीर जिन्नात जो है वो चले जाते हैं। तो इंशाल्लाह ये अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात, आपने ये अमल बताया, अब तो आपको पता है टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, अब लोग इस तरह घर में नहीं आके इस तरह करते या बहुत कम इस तरह का मौका मिलता है, तो यूट्यूब पे या इस तरह ऊँची आवाज़ में जाके वो कोने कोने में वो आवाज़ पहुंच जाए, इस तरह तलावत लगाई जाए। पुराने पाक को भी सुनना, उसको पढ़ना, हाँ। उसको देखना, ये तमाम इबादतों के हिस्से हैं। अब इसमें अगर फजीलत पे चले जाएंगे तो सबसे अफजल दर्जे की जो फजीलत है वो है पुराने पाक का पढ़ना। और एक नशे में अगर घर के तमाम लोग हैं, जैसे मियाँ है, बीवी है, बहन भाई हैं, बच्चे हैं, ये पुराने पाक को एक नशे में बैठ के पढ़ लें, और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो हमारे मस्जिद में जो हफाज होते हैं ना उनको घर में बुलाकर अगर इसकी कुरान खवानी कर ली जाए, साथ सूरह बकरा पढ़ ली जाए, तो इसके इंशाल्लाह घर के अंदर बहुत अच्छे मामला होते हैं। और अगर नहीं कर सकते तो इसको सुनने के अंदर मेरी बहन कोई हरज नहीं है, सुना भी जा सकता है, फजीलतें उसकी भी मिलेंगी इंशाल्लाह, उसका भी अल्लाह तबरक व तआला की तरफ से जो है इनाम व इकराम जरूर मिलेगा। बहुत सही बात जी जी। किचन में आग होती है, जहाँ आग हो किचन में आप खाना बनाते ना तो वहाँ आग होती है, जिस जगह आग होती है वहाँ पे ये पानी नहीं छिड़का जाता। अच्छा, तो फिर हम जो कमरों कमरों में सेंटेड कैंडल्स लगाते हैं, सेंटेड कैंडल तो खुशबू के लिए होती है, तो एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मगर यहाँ बात कर रहे हैं बहुत गहरी, सूर्य बकरा की बात कर रहे हैं। सेंटेड कैंडल और सूर्य बकरा का कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है ना। अगर आप कुरान पाक को यूज़ करें, उसकी जो एनर्जी है वो डेफिनेटली डिफरेंट है ना। सूर्य रहमान के ऊपर तो इस्लामाबाद में कई हॉस्पिटल्स में इलाज हो रहा है कैंसर के मरीजों का, राइट। और वो साहब जिन्होंने ये बात शुरू की थी, बताई थी, सफदर साहब था शायद, सैयद बुखारी, सफदर बुखारी नाम था, वो कई साल पहले मेरे पास आए थे और उन्होंने बताया था ये काम। तो अब मसला ऐसा कि साबित कैसे करें साइंटिफिकली कि सूर्य रहमान से जो आवाज़ इरताश निकलती है उससे जिस्म पे क्या असर होता है। तो जी टीवी ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, अब वो जो साहब थे उनको साइंटिफिक इल्म नहीं था, तो वो डॉक्यूमेंट्री मुझ पे बनी थी। तो मैंने बताया था कि जब इरताश हो किसी किस्म की वाइब्रेशन जिसको कहते हैं, उससे इंसानी सेल्स कैसे मुतासिर होते हैं। वाह, अच्छा। तो कैंसर में तो बेसिकली बीमारी नहीं है, कैंसर इज अ डिसऑर्डर कि वो सेल जो ठीक ठाक होते हैं वो दुश्मन होना शुरू होते हैं, एबनॉर्मल, आपको डॉक्टर है। तो अगर उस वाइब्रेशन पे चलाया जाए तो वो कैंसर के सेल जो हैं वो खत्म होकर नए सेल्स के अंदर नया मैसेज जाता है। बड़ा काम हो रहा है इस्लामाबाद में, माशाल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग। डॉक्टर साहब, हमारी एक और मेहमान यहाँ बैठी हुई हैं, डॉक्टर मुबशरा, और माशाल्लाह हेल्थ एंड ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं, आपको बहुत वेलकम डॉक्टर मुबशरा। अच्छा डॉक्टर मुबशरा से सबसे पहले मैं एक सवाल जरूर पूछना चाहूँ। आप जरूर करिएगा, मैं करिए, चले आप करें। ये गर्मी के रोजे हैं, वैसे तो लोग घबराते हैं कि गर्मी के रोजे हैं और इतने लंबे रोजे हैं और हीट वेव भी बीच में आ रही है तो काफ़ी परेशानी होती है, लेकिन मैं तो कहती हूँ जितना मुश्किल रोज़ा रखना होता है और अगर आप उस रोज़े को रख ले तो उससे ज़्यादा सवाब आपको मिलता है। लेकिन उसी के बीच में हम अपना ख्याल, अपनी हाइड्रेशन का ख्याल कैसे रख सकते हैं। बहुत वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि अक्सर बिफोर रमज़ान, क्योंकि आज पहली है हमारी सहरी होने वाली है, प्रॉपर डाइट प्लान बना के मैंने अपने पेशेंट्स को दिया है। उन पेशेंट्स को स्पेसिफिकली जिन जो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, डायबिटीज़ है, जुवेनाइल डायबिटीज़ है, बच्चों की वजह से, कुछ पेशेंट्स कीमोथेरेपी पे हैं और कुछ को विटामिन डी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सख्त, और वो यही कंप्लेन मेजर ये होती है कि हम रखना चाहते हैं बट हमारी हेल्थ इजाज़त नहीं देती। तो आप इस किस्म का डाइट प्लान बना के हमें दें या इस किस्म की चीज़ें बताएं जिससे उनको नरिशमेंट हो, नंबर वन। नंबर टू, डिहाइड्रेशन पे ना जाएं। नंबर थ्री, एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए क्योंकि इबादतें, ज़ाहिर बात है पूरा दिन इबादतें हैं। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अक्सर मेरे पेशेंट्स आते हैं आफ्टर रमज़ान, IBS के इशूज़, यानी इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम के इशूज़। तो हम बदपरहेजी भी बहुत करते हैं, कुछ लोग एनेमिक होते हैं, जितनी भी खुराक लो एक सर्टन डिफॉर्मेशन होती है, वो उस कमी को पूरा नहीं कर पाते। प्लस जब अगर आप कोई मेडिसिन पे हैं, 3 times आपने लेनी है तो वो एक लिमिट हो जाती है। तो उस वक्त जैसे फॉर इंस्टेंस इंसुलिन पे काफ़ी पेशेंट्स होते हैं या हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं तो उनको टैबलेट लेना ज़रूरी होता है, बट उसके बाद इंटरवल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि वक्फे से खाना लेना होता है, वो रह नहीं सकते खाने के बगैर। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आई हैव कम टू कंक्लूजन के
इस रमज़ान में हम बदपरहेजी बहुत करते हैं, यानी ओवर ईटिंग बहुत करते हैं, मिर्च मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है, डीप फ्राई चीज़ों का, और हम विटामिन डी ज़्यादा नहीं लेते बल्कि जंक फूड पे ज़्यादा चले जाते हैं। यानी अगर आप हाई प्रोटीन का अगर आप देखें या फ़िश का इस्तेमाल हो, चिकन का इस्तेमाल, बट उससे ज़्यादा हम ये चीज़ें यानी चटपटी चीज़ें ज़्यादा प्रिफर करते हैं क्योंकि टेस्ट बट हमारे इस तरीके से डेवलप्ड हुए हुए होते हैं। तो अगर हम इन सब का निचोड़ निकालें तो एक प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट प्लान होना चाहिए ताकि आगे आने वाले रोज़ों में हमें प्रॉब्लम्स ना हो। साथ साथ डिहाइड्रेशन की जहाँ पे बात हुई तो अक्सर ये होता है कि हम सहरी पे या इफ्तारी पे ढेर सारा यानी जैसे ही खुलता है पानी पी लेते हैं, तो इंस्टेड की डिहाइड्रेशन के बजाय वो टॉक्सिसिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है आपका, यानी इम्यूनिटी इतनी नहीं इजाज़त देती जितनी आप ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आप कर लेते हैं। नंबर टू, अगर हम स्पेसिफिकली देखा जाए तो कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं जिसका हमें इस्तेमाल करने से यानी प्यास नहीं लगती, तो वो रोज़े आराम से यानी आपको तकलीफ़ नहीं होती, प्लस अगर आप कोई मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं तो उसकी इतनी शिद्दत महसूस नहीं होती, उसका इक्विलिब्रियम यानी बैलेंसिंग स्टेट हम मौजूद अपने डाइट प्लान पे दही का इस्तेमाल भी शायद इसीलिए दही, हाँ, ताकि हमें प्यास ना लगे और दूसरी तकलीफ से हम बच सकें। मेन इशू ये भी रहता है कि वज़न बहुत बढ़ जाता है। अब वज़न को हम किस तरीके से कंट्रोल करें, आगे शादी आने वाली हैं, इवन कुछ ऐसे भी होते हैं कि शादियों का मसला होता है डॉक्टर साहब, बड़ा मसला होता है। अच्छा एक बात, सॉरी मैं काट रहा हूँ, एक बात मुझे और बताइए, आपने इतनी अच्छी बात की, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं, मेरे पास का जवाब कोई नहीं होता, वो मुझे कहते हैं कि हुमायूं भाई वी आर यूज्ड टू एक्सरसाइजिंग, यू नो हम जॉगिंग भी करते हैं, हम जिम भी जाते हैं, तो रमज़ान में कैसे इस रूटीन को मेंटेन किया जाए? आज लकीली आप बैठी हुई हैं, जरा इस पर जरा बताएं क्या इसको मेंटेन किया जा सकता है, बिल्कुल, और अगर किया जा सकता है तो क्या टाइम होना चाहिए? यूजुअली जो डाइट प्लान मैं बना के देती हूँ, इवन इन द पास्ट मेरा प्रोफेशन ये रहा है, उसमें हम ये करते हैं कि जब आप इवन इफ्तारी से डेढ़ से दो घंटा पहले अगर आप मिनिमल एक्सरसाइज कर लें, मींस वन आवर ना करें, यानी एक घंटा आप ना करें, 14 to 15, आपने जहाँ पे वेट लिफ्टिंग करनी है उसको आप तब्दील करें, क्योंकि हम मोड ऑफ लाइफ पे डिपेंड करते हैं, कभी हमारा मूड होता है हम योगा कर लेते हैं, कभी मूड होता है ब्रिस्क वॉक कर लेते हैं, बट ड्यूरिंग रमज़ान हम यूजली ये इनक्रेज करते हैं कि आप डाइट के हिसाब से अपनी एक्सरसाइज को मॉडिफाई करें। यानी आपने बेसिकली करना क्या है कि वेट लिफ्टिंग नहीं करनी, वेट ट्रेनिंग करनी है, उसे ये कि आप अपनी बॉडी को कॉम्पैक्ट रखें, यानी जहाँ पे आपने मल्टी डिमेंशन एक्सरसाइजेस करनी है, इंस्टेड ऑफ वन आवर एक घंटे के बजाय आप वो सब का कंप्राइज कर लें 15 मिनट के लिए, ब्रिस्क वॉक आपने 5 मिनट्स करी, हर बॉडी पार्ट की आप वर्कआउट एक्सरसाइज कर लेंगे 10-10 repetition, तो ये आपकी फुल बॉडी का वर्कआउट हो गया। मतलब वर्कआउट तो हम कर रहे हैं लेकिन उसकी ड्यूरेशन कम कर रहे हैं। एग्जैक्टली, इफ्तारी के बाद आपने एक्सर्शन भी कम कर लें, एग्जैक्टली, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा जी, स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो हमने फिर अपने इफ्तारी के बाद 1 to 2 घंटे के बाद आप वॉक पर चले जाएँ ताकि आपका खाना हजम हो जाए, उसके बाद अब 10 to 15 मिनट्स रिलैक्सेशन की, यानी अगर आपने स्ट्रेचबिलिटी अपनी मोबिलिटी बोन्स के थ्रू, आई वुड से कि ऑर्थोपेडिक वे से, क्योंकि काफ़ी लोगों को सर्वाइकल का भी इश्यूज हैं, लोअर बैक पेन भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर आप इस तरफ से जाएं ताकि आपकी बॉडी भी प्रमोट करें विटामिन डी का लेवल बैलेंस आउट करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब हम स्ट्रेस अपने दिमाग पे ले लेते हैं कि ये रमज़ान है और हमें फास्टिंग करनी है, अच्छा, तो इससे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल इसमें ये आता है कि हम फौरन जो है रोजे के बाद हम लोग तरावी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, तो वो वॉक वाला टाइम जो है वो बेसिकली तरावी में हमारा चला जाता है, तो क्या खड़े रहने से भी हमारी कोई कैलोरी, बिकॉज वो तरावी के लिए हम काफी देर खड़े रहते हैं। डॉक्टर साहब मैं ज्यादातर लोगों से क्या कहता हूँ, यार अपने चिल कर जाओ रमजान में, इतनी एक्सरसाइज ना करो, खाओ पियो इबादत करो और रमजान निकालो। मैं ये समझती हूं कि सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए
और इंशाल्लाह हम इसको रेगुलरली करते रहेंगे और आपसे सीखने को हमें भी और नाज़रीन को मिलेगा। ब्रेक की तरफ चलें? बिल्कुल ब्रेक की तरफ चलें, इस बार आप चलें। अच्छा मैं चलूं? हाँ जी। नहीं जी, हम ब्रेक लेते हैं, आपके पास वापस आते हैं ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। आपको बहुत बहुत वेलकम, दोबारा खुश आमदेद। और अब हम हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रमज़ान का एसेंस होती है। यहाँ पे मुझे एक बात याद आई जो मैं ज़रूर कोट करूँगी कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी क्या करो क्योंकि सहरी में बरकत है। अच्छा जी, हम अपने जिस सेगमेंट में मौजूद हैं वो है जी झटपट किचन, और इसमें हम आपको वो रेसिपीज़ बताएंगे जो कि आप क्विकली जल्दी जल्दी बना सकें और वो न्यूट्रिशनस भी हो और एक सहरी की जो नीड होती है वो भी हो जाए। सहरी को उसके वक्त पे करना जो है वो उसका एक अलहदा एक एसेंस है, उसकी अलहदा एक खुशी है, उसकी अलहदा एक सेटिस्फैक्शन है। हमारे साथ हमारे शेफ मौजूद हैं, फातिमा ज़हरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे फातिमा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आपको रमज़ान बहुत, आपको भी बहुत बहुत और पूरे पाकिस्तान को रमज़ान मुबारक और पहली सहरी मुबारक। पहली सहरी मुबारक। आज आप क्या बना रहे हैं? आज जी डिश जो है वो इंटरनेशनली जो है वो स्पेनिश ऑमलेट कहा जाता है इसको। स्पेनिश ऑमलेट जी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा पाकिस्तानी स्टाइल में ढाल के, तो आई विल कॉल इट पाकिस्तानी स्पेनिश ऑमलेट। पाकिस्तानी स्पेनिश ऑमलेट, इंटरेस्टिंग। क्या बात है, क्या बात है। हमारे देखिए पाकिस्तानी स्पेनिश ऑमलेट बन रहा है आज, और ये कैसे बन रहा है, क्या तरीका है इसका, ये तो फातिमा ही बताएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपनी जगह पे आ जाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी जगह पे आ जाऊँ जी। सबसे पहले जो है इसके अंदर जो है इन्ग्रीडियंट्स डालेंगे, उनमें आलू है और प्याज है, जो कि ऑमलेट में आपको पता है ये आलू बॉइल्ड है? नहीं, ये कटे हुए आलू हैं। अच्छा, उनको बस छोटे 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 काटने की, वो अभी हमने इनको फ्राई करना है तो ये गल जाएंगे उसी के अंदर। और ऑब्वियसली अंडे हैं, अंडे हैं, अंडे तकरीबन इसमें 5 से 6 अंडे डालेंगे स्पेनिश ऑमलेट में। ओके, तो अंडे जो हैं वो आपकी मर्जी है, 5 ले लें 6 ले लें। ये 5 से 6 अंडे जो डालेंगे तो ये सर्विंग कितने लोगों की होगी? ये इट विल बी लाइक फॉर 6 पीपल कैन ईट, बिकॉज़ इट विल बी लाइक अ केक। ये एक केक की तरह बन जाएगा क्योंकि हैवी हो जाएगा, इसमें आलू भी डालेंगे। तो जब ये मैं अभी एंड में एंड जब आप इसका वो देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि अंडे तो इट्स वेरी न्यूट्रिशनस, हमारी प्रोटीन की सोर्स। अब इसमें आप आलू डाल रही हैं तो कार्ब्स भी अच्छे खासे आ रहे हैं। बिल्कुल, और टेस्ट के लिए प्याज एंड देन हरी मिर्चें, और ये जो नॉर्मल आपके स्पाइसेस हैं, नमक है, लाल मिर्च है, और कुटी हुई लाल मिर्च है, और पेपर है, ब्लैक पेपर है जी, ब्लैक पेपर। ठीक है जी, देखते हैं जी हमारा स्पेनिश ऑमलेट, पाकिस्तानी स्पेनिश पाकिस्तानी कैसा बन रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले जी मैंने एक्चुअली टाइम कम था तो मैंने काट के रखे हैं आलू जो हैं, इतने छोटे छोटे काट लेने हैं जो कि गल जाएं, ठीक है, जो कि वाइल्ड फ्राइंग ये, और प्याज भी काट लें। तकरीबन ये मैंने 2 से 3 आलू लिए हैं छोटे दरमियाने साइज़ के, और प्याज जो हैं ये भी 2 हैं। अच्छा, तो प्याज इस तरह से काट लें और इसको इस तरह से अलग अलग कर लें। अच्छा, आलू के अंदर थोड़ा सा नमक हम डालेंगे, मुझे चम्मच एक्सक्यूज़ मी। बिल्कुल जी, इसमें तकरीबन हम 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। ओके ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, हम चाहें तो हम ये नमक ना भी डालें? जी आपकी मर्जी है, है ना, थोड़ा सा। बहुत सारे लोग नमक की चीज़ें जो है वो सहरी में अवॉइड कर रहे होते हैं जी, डिहाइड्रेशन। यू आर राइट, क्योंकि इसमें अभी उसके अंदर भी हम नमक डालेगा ऑमलेट के अंदर भी, तो आपकी अपनी मर्जी है, इट डिपेंड्स ऑन यू। ये थोड़ा सा एक आलू के अंदर भी टेस्ट आ जाता है नमक डालने से, सही, इट डिपेंड अपॉन यू। अच्छा, बहुत छोटे छोटे चॉप हुए हैं जी, छोटे छोटे। ये एक आलू है? नहीं, ये एक नहीं है, तकरीबन 2 से 3 दरमियाने आलू काटे हैं। अच्छा, जी मीडियम साइज। ठीक है जी, ठीक है, अब हम इनको फ्राई करेंगे, तो मैं कढ़ाई रख लेती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, और मुझे बताइएगा कि इसमें तेल कितना डालना है? जी आप तेल मेरे ख्याल में डाल दें क्योंकि इसमें फ्राइंग करनी है, जैसे आलू फ्राई होते हैं ना। और मैं कितना तेल डालूं? मेरे ख्याल में आप सारा ही डाल दें, थोड़ा सा बचाइएगा। सारा मतलब पूरा जग? जी पूरा जग डाल दें, थोड़ा सा रहने दीजिएगा क्योंकि हमें उसके लिए भी चाहिए होगा। ओके बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये सारा तेल जो है ये ऑमलेट एब्जॉर्ब कर लेगा जी।
नहीं, ये तेल जो है ये तो फ्राइंग के लिए, इसके बाद हम ये इनको निकाल लेंगे, ठीक है? ये आलू और प्याज okay. फ्राई होंगे ओके ओके okay, okay. तो ये आलू बेसिकली डीप फ्राई होंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, ठीक है. मैं समझी ऑमलेट के अंदर इतना तेल? नहीं नहीं नहीं, ओके नो नो नो. अच्छा मैं जो है, प्लीज आप लीजिएगा जी. मैं बस तब तक अंडे जो है वो तोड़ लूं. हमारे यहाँ ऑयल की देर में गर्म हो जाएगा. मैं जरा आंच इसकी तेज कर दूं, तेज आंच कर लूं ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि हम झटपट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, झटपट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और सहरी का वो वक्त होता है जिसमें हम ज्यादा टाइम जो है वो कोशिश करते हैं कि झटपट इसलिए बन जाए क्योंकि हम नींद में भी होते हैं और हम कहते हैं बस जल्दी से सहरी हो जाए और हम नमाज पढ़ें और दोबारा सो जाए. ये यूजली हर घर की ही रूटीन होती है. बहुत कम लोग जो है वो सहरी के बाद भी जागे रहते हैं, अपने कामों और अपने स्कूल्स और इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन करते हैं. यूजली लोग सहरी के बाद सो जाते हैं. वैसे सहरी के एकदम बाद नहीं सोना चाहिए, है ना? बिल्कुल सही बात है. थोड़ा सा टाइम देना चाहिए, थोड़ा सा टाइम आप, चाहे तो आप सिपारा पढ़ लें, चाहे आप कोई भी अपनी एक्टिविटी पूरी कर लें और थोड़े टाइम के बाद फिर आप सोएं. ये भी कर सकते हैं कि आप उस वक्त या तो आप तिलावत कुरान पाक कर लें, सिपारा पढ़ लीजिए, या फिर अगर आपने ये भी कर लिया है तो फिर आप आधे घंटे की वॉक. बड़ा खूबसूरत वक्त होता है, बड़ा अच्छा वक्त होता है, ठंडा ठंडा वक्त होता है, तो उस वक्त वॉक करनी भी बड़ी एक तो आसान भी होती है और दूसरा उसके फायदे भी बहुत हैं. अच्छा जी, ये छह अंडे मैं आपको फेंक दूं? जी जी, मेरे पास वो है, मेरे ख्याल में फेंकने वाला है. जी, बिस्किट है, बिल्कुल है आपके पास. जी ये लीजिए. जी तो ये हम जितनी देर में ये तेल हो रहा है उतनी देर में आप अंडे मैं आपको बताती हूँ कि ये तेल कितनी देर में हो रहा. तेल वैसे मुझे लग रहा है काफी हो गया क्योंकि बबल्स जो नीचे बनना शुरू हो गए हैं. जी ठीक, तो मैं ये आलू इसमें डालूं? अच्छा एकदम, क्योंकि हम ये आलू जो डालेंगे एकदम इसमें से छीट आएगी, बिकॉज आलू एकदम से ऐसे नहीं डालते, इसलिए मैं इसमें लेके डाल रही हूँ ताकि अगर मैं इसको एक एक दो दो करके डालती तो इस वक्त मैं जल जाती यहाँ पर. ठीक है जी. जी अब हम थोड़ा सा बिल्कुल ये इनको स्टॉक करेंगे और इसको हम बनने देते हैं. जी जी, इसको ऐसी ही करना पड़ेगा थोड़ा जब तक ये गलेंगे. अच्छा, तकरीबन दो से तीन मिनट के लिए इनको हमने फ्राई करना है. ठीक है, आप फ्राई करें. इतनी देर में मैं आपको एग्स जो हैं, अंडे जो हैं वो अच्छे से, जी जितना अंडा अच्छा फिटा हुआ होता है. अच्छा वैसे क्या ये बात सही है कि ऑमलेट के लिए अगर आप अंदर थोड़ा सा लिक्विड दूध डाल दे तो वो बड़ा फ्लफी बनता है? बिल्कुल फ्लफी बनता है, और पानी भी अगर आप थोड़ा सा डालें. पानी भी? जी बिल्कुल, पानी से भी बहुत फ्लफी बनता है ऑमलेट. इंटरेस्टिंग. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने किस तरह की कंसिस्टेंसी रखनी है. जी जी, बाद हमने खा के जज करना है अच्छा बनाया कि नहीं बनाया. जी जी, हम बिल्कुल सहरी में खाएंगे. पाँच छह लोगों का बनाया है जिसमें तीन के तो मैं खा लूंगी, बाकी आप देख लीजिए. चले जी, आज तो पहला इम्तिहान है मेरा. जी बिल्कुल, आपका पहला इम्तिहान है. पूरी उतरती हूँ कि नहीं? और सहरी बनाना जो है ना, आपको पता है सहरी बनाना भी सवाब है. बहुत ज़्यादा लोगों के लिए सहरी बनाना, उनके सहरी का इंतज़ाम करना, इसमें भी बहुत सवाब है. बिल्कुल बिल्कुल. कुछ ऐसे मरीज होते हैं कि वो रोज़ा किसी वजह से नहीं रख सकते. बिल्कुल. तो मुझे ये बात इसलिए याद है क्योंकि मुझे याद है कि मेरी नानी जो है वो रोज़ा नहीं रख सकती थी. अच्छा अच्छा. वो स्पेसिफिकली सहरी में उठ के सबके लिए सहरी बनाती थी. कहती थी मैं रोज़ा नहीं रख सकती तो मैं सबके लिए सहरी बना के तो उसका सवाब ले सकती हूँ. तो कोशिश करें कि सहरी का एहतमाम जो है सबके घरों में अच्छे तरीके से हो. और हमारे आलू कहाँ पहुँचे? बस थोड़े से रह गए हैं, तकरीबन अच्छा। एक डेढ़ मिनट और इसके अंदर फ्राई करना है. और उसके साथ फिर हम प्याज भी इसी में डाल देंगे, प्याज भी और हरी मिर्च भी. अच्छा, इसको अगर हम बीटर से करेंगे जी, जो मशीन भी, वो बिल्कुल जैसे केक बन जाएगा फिर. उसका भी सवाब है, सहरी के एहतमाम का भी सवाब. बिल्कुल बिल्कुल. और सहरी खाने का भी बहुत सवाब है. तो फातिमा जो है आज भरपूर तरीके से और बिल्कुल सही पाकिस्तानी स्पेनिश ऑमलेट का अलहदा ही सवाब होगा इंशाल्लाह. बस ये आलू हो गए हैं, अब इसी के अंदर हम प्याज भी डाल देंगे. ठीक है ठीक है. अच्छा, इसी के अंदर हम प्याज भी डाल, इसी के अंदर हम प्याज भी डाल देंगे. अच्छा, प्याज तो बहुत जल्दी गल जाएंगे. बस इनको गलाना है, इसलिए मैंने टाइम के बाद डाला है. अच्छा, कि आलू होने के थोड़े से टाइम के बाद
हम प्याज डाल देंगे। ठीक है जी, ठीक है। और ये जो फेंटने वाला पार्ट है ये मुझे बड़ा पसंद है जी इसलिए मैं इनको कंटिन्यूसली फेंटे। अच्छा, जितना आप इसको ऊपर ऊपर करके फेंटेंगे और इसके बीच में हवा इनकॉर्पोरेट होगी उतना फ्लफी और फूला हुआ आपका ऑमलेट बनेगा। बिल्कुल सही। ये वो टिप्स है जो कि हम सब अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं कि जितना आप इसमें एयर जाने दें, हवा को जाने दें, उतना मज़े का ऑमलेट बनता है, फूला फूला सा, बहुत मज़े का। अच्छा, आपकी क्या टिप्स हैं भाई, आप अपनी टिप्स भी बताएं। वही टिप्स आपने जो पहले दे चुकी हैं ऑब्वियसली। आपने बताया मिल्क डालेंगे अगर और पानी डालेंगे तो ये ऐसा फ्लफी हो जाएगा। अदर देन दैट, अब ये चीज़ें जब डलेंगी और जब ऑमलेट की शक्ल आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ लोग ऑमलेट अंडे फेंटते हुए इसमें तेल भी डालते हैं। अच्छा, वो क्यों डालते हैं? मुझे तो वैसे मैंने कभी हार्डली कभी देखा। पैनकेक में मैंने देखा है कि पैनकेक में तो होता है, लेकिन अंडे फेंटते हुए ऑमलेट के लिए इसमें भी कभी कभी लोग तेल डालते हैं कि वो पता नहीं नीचे चुपके नहीं और खुला खुला बने, फ्लफी सा बने। अच्छा, ये सारी टिप्स जो है ये फ्लफी ऑमलेट के लिए हैं। ये देखिएगा कैमरे में अगर आपको नजर आ रहा है तो ये आलू तो बिल्कुल गल गए हैं। ठीक है, जबरदस्त। अब हम इनको डायरेक्टली, बल्कि इसके अंदर भी हरी मिर्चें भी डालनी है तकरीबन। अच्छा, तीन में हमारी मिर्चें भी डाल रहे हैं। जी जी बिल्कुल, हरी मिर्चें भी इसी में फ्राई करेंगे। तकरीबन तीन हरी मिर्चें हमने लेनी है। ये जरा ज्यादा लग रही है तो मैं अंदाजन डाल दूंगी। वैसे कोशिश कीजिएगा हरी मिर्चों को आप हाथ में ना लें। अच्छा, हाँ, क्योंकि हरी मिर्चों को हाथ में लेने से कभी कभी ये होता है कि हम लोगों के हाथ में कोई कट लगा हुआ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हरी मिर्चों को हमेशा काटते भी उसकी कैंची से हैं और कोशिश करते हैं कि इसको आप हाथ से टच ना करें, चमचे से डालें या किसी चीज़ से डालें, क्योंकि बड़े मसाइल हो जाते हैं। उसके बाद आप ठंडे पानी में हाथ डाल के बैठे रहते हैं कि ये जो जलन है हाथों की खत्म हो जाए। ये जो टोटके होते हैं जी, बिल्कुल देसी। इसलिए मैंने कहा साथ साथ ये भी बता दी जाऊँ क्योंकि हम सबके साथ कहीं ना कहीं जिंदगी में ये हो भी चुका है। अच्छा, इसके अंदर कुछ डालना है? नमक, काली मिर्च जी अभी डालेंगे ना, पहले ये हम डालें फिर मैं डायरेक्टली उसके बाद सबको बताऊंगी। अच्छा, पहले आप इसमें ये डालें? जी जी, फ्राई करके। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, ये डायरेक्टली जाएगा। ये स्क्रैम्बल्ड एग टाइप चीज भी ऐसी ही बनती है, आई एम नॉट स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल मिर्च भी डलती है, टमाटर भी डलती है, स्क्रैम्बल्ड एग जो होता है ना वो स्क्रैम्बल हो जाता है, टूट जाता है। ये तो बिल्कुल, वो तो हम तोड़ते हैं, ये तो बिल्कुल केक की तरह बनेगा, तो ये टूटा हुआ नहीं होगा ना। जबरदस्त, तो बिल्कुल क्या बात है, क्या बात है। इसके मैं इसको और फ्लफी करती हूँ और इसमें हवा हम इनकॉर्पोरेट करते हैं ताकि और मजा आए। और जी ये स्पीड का काम है, इसके लिए आपके अंदर थोड़ी सी ताकत होनी चाहिए जी। बड़ा मजा आ रहा है इसमें। बस ये आप मेरे करीब आइए, बनेंगे उतना मजे का ऑमलेट बनेगा। अब आप ये मेरे करीब आइए, अभी हम इसमें डालने वाले हैं, मैं डायरेक्टली इसके अंदर डाल, बिल्कुल हम करीब कर ले ताकि कहीं गिरे नहीं। अच्छे से ड्रेन करके, थोड़ा बहुत ऑयल तो आ रहा है वैसे, थोड़ा बहुत ऑयल आएगा, डजंट मैटर, लेकिन हम इसको अच्छे से, जितने अच्छे से ड्रेन कर सकते हैं। सही, ये वाले ब्रशेस कह रही हूँ, ये वाले जो चमचे हैं हमारे, ये स्ट्रेनर वाले, जी, स्ट्रेनर्स, ये खास रमजान के लिए पकौड़े, हाँ, बड़े काम आते हैं जी। मैंने साथ साथ मिक्स करना भी शुरू किया था। अच्छा, मुझे बताएं कि स्टोव बंद कर देंगे हम लोग, ये देखें। अच्छा, अब ये हो गया, अब आप इसको इससे अंडे में ना हम गरम, एकदम से बिल्कुल गरम तेल से निकला हुआ डाल रहे, तो इससे अंडा थोड़ा पकेगा? नहीं, थोड़ा सख्त, वो तो वैसे भी पकना ही है अंडे ने। नहीं, हाँ, नहीं वैसे तो पकना ही होता है। लाए दीजिए, बस डालिए बिल्कुल। अब पूरा हो गया, सही, ठीक है, सही बिल्कुल। अब मैं इसके अंदर जो बाकी मसाला जात हैं वो मैं बताती, आप डालती जाए, मैं जी अपने काम में लगी हुई हूँ। यहाँ पे हम मिक्सिंग का काम कर रहे हैं जी, क्योंकि ऑमलेट इज ऑल अबाउट मिक्सिंग वेल। अब ये एक, अब आप एक, आपकी अपनी मर्जी है, आपने हस्बे जायका नमक डालना है इसके अंदर। अच्छा, हमने आलू में भी डाला था जी, आलू में भी डाला था, तो आपकी मर्जी है। मैं अभी एक चम्मच डाल रही हूँ उसके अंदर, टीस्पून, वन टीस्पून। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये जो कुटी हुई मिर्च, अच्छा ये सफेद नमक है, अगर हम आजकल तो हिमालयन, बिल्कुल आपकी मर्जी, आपकी अपने डिपेंड करता है, बिल्कुल। हाफ जो है टीस्पून हम ये डालेंगे कुटी हुई मिर्च। अच्छा, ये थोड़ा स्पाइसी बनेगा मुझे, जी जी स्पाइसी होता है स्पेनिश ऑमलेट, स्पेनिश इज ऑलवेज स्पाइसी। और इसमें हरी मिर्च भी डली हुई है, तो आपकी अपनी मर्जी, आप इसको एक चम्मच डालें या आधा डालें, मैं आधा डाल रही हूँ। बात ये होती खाने पकाने में सबसे मजेदार तरकीब ये होती है की आप कम चीज डालें, क्योंकि बाद में आप उसको ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा डाल देंगे ना वो चीज आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इसलिए अच्छा, इसमें आधा चम्मच जो है वो पेपर डलेगी,
काली मिर्च, काली मिर्च डाल रहे हैं, ठीक है, ठीक है बस, और हम इसको और ब्लेंड कर लेंगे बस। और अब ये डायरेक्टली मैं हूं ना ये मिक्स करने जी, बिल्कुल आप हैं। अच्छा जी जी, अब हम इतना तेल तो नहीं इस्तेमाल, नहीं नहीं नहीं, अब ये यही रहेगा, या मैं इसको उठा के साइड पे कर दूं? हाँ जी, आप एक काम करें, हाँ बिल्कुल, इसको वहाँ नीचे रख दे जी, मैं इसको नीचे, और हम थोड़ा सा तेल जो है बिल्कुल वो फ्राई करने के लिए। अच्छा, नॉन स्टिक पैन्स में जी ज़रूरत है तेल की? बिल्कुल है। अच्छा, 2 टेबलस्पून इसमें तेल डलेगा, यही वाले चूल्हे पे कर लो, इसी वाले चूल्हे पे कर लीजिए, बिल्कुल। इसको आपने जी ग्रीस करना है 2 टेबलस्पून। इसमें आप मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी, आपकी बिल्कुल मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छी जबरदस्त टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हम सोचते हैं कि घी और घी खतरनाक और घी, तो देसी घी बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, बल्कि मैं तो कहती हूँ तेल से ज़्यादा अच्छा देसी घी है, क्योंकि इसमें हमको अनसैचुरेटेड फैट्स मिलती हैं। अच्छा जी, यहाँ मेरी मेडिसिन शुरू हो जाएगी, आप फ्राई कर लें जी, ठीक है। अच्छा, बहुत ही कम तेल डाला है जी जी, 2 टेबलस्पून, ज़्यादा नहीं, सही बिल्कुल। अब मैंने आपके पीछे ये भी शुरू कर दिया अच्छे से इसको, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा तेल गर्म होने का इंतजार करें, और फिर आँच हल्की कर दें जी, अभी नहीं, अभी थोड़ा सा तेल हो जाए तो उसके बाद ओके, बस इसको आपने इसके अंदर डिश आउट कर देना। अच्छा, आजकल तो वो अच्छे से स्प्रेज भी है, जो ऑलिव ऑयल के स्प्रेज होते हैं, बटर स्प्रेज होते हैं, सिर्फ ग्रीस करने के लिए यूज होते हैं, बिल्कुल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इसको ऐसे करके हम सेटल करेंगे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये इसको बिल्कुल आपने इवनली स्प्रेड कर लेना है, और अब इसको आपने पकने देना है थोड़ा सी आँच, अब आप हल्की, अब इस वक्त आप आँच हल्की करें, ये तकरीबन 2 से 3 मिनट पकेगा, फिर हमने इसको पलटना भी है जी। अच्छा, हम इसको पलट के भी पकाएंगे जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसको कवर कर रही हूँ मैं, बिल्कुल इसको पलट के भी पकाएंगे। हाँ, मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास वक्त की कमी थोड़ी सी वाकया होने वाली है, अच्छा, तो हम जरा इसको जरा जल्दी जल्दी करें जी, बिल्कुल। तो आप ऑमलेट को बताइए कि वो जल्दी हो जाए, मैं ऑमलेट को बताती हूँ, ऑमलेट आप जल्दी हो जाए। आप ऑमलेट खाते हैं? बिल्कुल खाते हैं जी, और ये स्पेनिश तो मैंने पहले खाया हुआ है, लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया ये फर्स्ट टाइम है, ये पाकिस्तानी स्पेनिश है। आप खाते हैं तो बनाते भी हैं? ये बात बताइए। नहीं जी, बनाना मुझे नहीं आता सही। अच्छा, लेकिन मैं खाता जरूर हूँ। वैसे अंडा जो है ना वो बहुत इजी होता है बना, ऑमलेट तो बहुत इजी होता है, मींस इंसान भूखा नहीं रह सकता है अगर ऑमलेट बनाना। अच्छा, मुझे वो ऑमलेट बहुत पसंद है, इसमें वो चीज होती है, मशरूम्स होते हैं जी, बिल्कुल। अच्छा, चीज ऑमलेट, वो भी स्पेनिश होता है जी? नहीं, वो फ्रेंच होता है मेरे ख्याल में, फ्रेंच। अच्छा, लेकिन चीज मशरूम ऑमलेट कहते हैं उसको वैसे, वो हमारे यहाँ तो कहते हैं पाकिस्तान में जी हर चीज़ के नाम रखे, अंडा घोटाला खाओ सब कुछ वही है। हाँ, ये भी है, और हमारे यहाँ तो हर चीज़ डल जाती है, उसमें पेपरोनी भी डल जाता है, सब कुछ, रात की बची हुई चिकन भी डल जाती है, हम तो सब कुछ डाल लेते हैं ऑमलेट में। वैसे अंडा खाना जो है, हर रोज अंडा खाना, हम लोग थोड़ा सा कहते हैं कि गर्मी है अंडा नहीं खाएंगे, इसकी तासीर गर्म है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अंडा जो है ना फिटनेस के लिए बहुत, फिटनेस के लिए बहुत जरूरी है। अगर खाली अंडे की की जाए तो ये बहुत जबरदस्त किस्म की प्रोटीन सोर्स है, बिल्कुल, किसी भी फॉर्म में खाएं, बॉइल्ड एग में खाएं, आप फ्राइड में खाएं। वैसे राफिया, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है, आना शुरू हो गई आपको अभी से, वो सहरी की भूख तो नहीं लग रही? मैं इंतजार कर रहा हूं कि जल्दी से ये इसको पलट दें और तैयार हो जाए, बस ये आपका इंतजार, ये जो है आपसे थोड़ा डर रहा है, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता पक रहा है जी, मतलब डर रहा है कि तैयार होती जमा हो जाएगा। अब हम इसको एक मिनट में इसमें इसका जो ये अंडा है ये साइड्स पे करूं ताकि ये जल्दी जल्दी, बिल्कुल, और इसको मैंने ऐसे करके देखना भी है, देखिए आप लोगों ने इसको ऐसे करके नीचे से पहले देखना भी है कि ये पक गया है नीचे से। अच्छा, और ये आपको ऐसे पता चलेगा कि चमचे पे चिपक कर नहीं, बिल्कुल ये बिल्कुल पक गया है, अब इसको हमने पलटना है। मैं जरा सा स्टोव बंद कर लूं, हम इसको पहले किसी प्लेट में, जी जी हम इसको प्लेट में ही पलटेंगे क्योंकि ऊपर अभी कच्चा अंडा है, वो पलटेंगे जी, बिल्कुल सही। मैं प्लेट ले रही हूँ। अच्छा, हम एक और चीज़ इसमें कर सकते हैं जो कि होती है ना हर इंसान की, एक मिनट आप पलटने से पहले मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, हर इंसान की कोई पर्सनल टिप होती है, तो एक कच्चा अंडा जो है ज़रा जल्दी पक जाए तो मैं इस तरह के होल्स बना देती हूँ, और इससे होता यह है कि ये कच्चा जो ऊपर का होता है ये जल्दी पक जाता है। नहीं नहीं, ये कच्चा नहीं रहेगा, ये जब हम पलटेंगे बिल्कुल वाइनो कच्चा नहीं रहेगा, बिल्कुल। यही काम हम पराठे में भी करते हैं, बिल्कुल। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप इसमें हेल्प करेंगी मेरी? जी जी, मैंने क्या करना है, मैंने क्या
बिल्कुल बताइए, या पकड़ लें अगर आप, मीन्स अगर आपको गर्म लग रहा है तो इसको, गर्म तो लगेगा लगेगा चले इसको पलट दें, एक मिनट यहाँ रखें, और अब हम इसमें सबसे डेलिकेट काम कर रहे हैं जी। 1 2 3 चलो, ऑल राइट, क्या बात है, ओह जबरदस्त, ये तो बहुत खूबसूरत ऑमलेट है। Really, शक्ल दिखनी पड़ेगी। ये तो बड़ा खूबसूरत ऑमलेट है। नहीं नहीं अभी नहीं, इसको अभी हमने इस साइड से भी पकाना है। केक की फॉर्म में। अच्छा हम इस जी जी में नहीं पका सकते। नहीं नहीं, प्लेट तो वो है ना, प्लास्टिक की है। अच्छा 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 ठीक है। अब इसको डायरेक्टली हम आहिस्ता आहिस्ता जी जी अब आप बार बार ऐसे कह रहे हैं। मेरी तो नियत खराब हो रही है। अच्छा थोड़ा सा अब इसको ऑन कर लीजिए, हल्की आंच में, ये भी 2-3 मिनट अभी ये भी पकेगा। सही, बिल्कुल उसी फॉर्म में ये नीचे से हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या अच्छा, इसे ढांपने का क्या मकसद है? मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूं, हीट अंदर रहती है, ऑमलेट पक जाए ताकि ना, हाँ आलू भी हैं प्याज भी हैं तो जरा अच्छी तरह से वेल कुक्ड हो जाए, इसीलिए हम ना हीट को ऊपर नहीं जाने देते, बंद कर देते हैं अंदर कि तुम जल्दी से पका दो। ठीक है जी, बस अब 2 मिनट के बाद हम, जैसे आपने बड़ी साइंस लगाई है उसके बीच में वो करके, ये कि जल्दी अंदर भी जरा वो, ये भी होता है, मुझे लग रहा है इनको भी बहुत भूख लग गई है। नहीं आपको तो लगी थी, ऐसा लगना चाहिए था कि मुझे भी कुकिंग आती है, लेकिन आपको कुछ आ रही है, ऐसी आ रही है, अब क्या करें, अब वो तो अंडरस्टूड सी बात है, आपको की बात है ऑब्वियसली, लेकिन आई नो, आई डोंट डाउट ऑन दैट। हमारे साहब आपको अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे हमारे खताती के सेगमेंट में, कि बाय द एंड ऑफ रमजान इंशाल्लाह हम सब जो है थोड़ी बहुत कैलीग्राफी जो है वो सीख लेंगे, तो मुझे लग रहा है कि बाय द एंड ऑफ रमजान जो है आप थोड़ी सी कुकिंग सीख लेंगे। हाँ जी, देखने अगर तक सीख लूंगा, मुझे खाने का ज्यादा शौक है। खाने के शौकीन लोग ही अच्छा खाना बना सकते हैं। अच्छा रियली? हाँ, ये अब आप ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए मोटिवेशन है। आपसे ये तो मैं बड़ा फैसिनेट हुआ हूँ, जैसे आपने वो उसमें आलू डाले फिर उनको हिलाया और फिर अंडा अलग से आपने जैसे वो वो इतना फैसिनेटिंग लग रहा था, मैं वहाँ बैठा था ना, जब वो अंडा फेंट रही थी जी। तो बड़े गौर से ऐसे देख रहा था जैसे वो बच्चे नहीं देख रहे होते, अब क्या होगा इसके बाद, अब इसके बाद क्या होगा। फिर जिस तरह आपने सारा बनाया, अब इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आ रहा है जी, बिल्कुल। आप अंडा, आप अंडा शौक से खाते हैं? जी मैं बिल्कुल खाता हूँ अंडा, हर रोज खाते हैं या हफ्ते में एक या दो दफा, एवरी सेकंड डे, थर्ड डे, एवरी सेकंड डे, चले वो फिर भी बेहतर है। बट आई लव ऑमलेट्स, मुझे बहुत पसंद है। तो हम यहाँ पे हर तरह का ऑमलेट जो है फिर आपको बना के दिखाएंगे। इज इट डन? नहीं, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, क्योंकि हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि जरा हम जल्दी जल्दी इस चीज को दिखा दें। ठीक है। अच्छा बाय द वे, हम इसको डेकोर भी, हमारा जो गार्निशिंग होती है हम इसको डेकोर भी, गार्निशिंग भी हम इसकी बड़ी क्यूट कर सकते हैं अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त हो। थोड़ी सी आपने यहाँ पे जी कोरिएंडर काट के रखा हुआ हो, थोड़ी टमाटर पे आपने शेप काटी हुई हो, फूल बनाया हुआ हो, बिल्कुल हाँ एग्जैक्टली exactly. अच्छा। तो और ज्यादा मतलब प्रेजेंटेशन अच्छी हो, प्रेजेंटेशन एग्जैक्टली। वैसे एक अजीब बात है जी, आप देखिए प्रेजेंटेशन से आधी भूख जो है ना और बढ़ जाती है, खुल जाती है आपकी और भूख खुल जाती है। ये वाकई फैक्ट है, बिल्कुल ये फैक्ट है, बिल्कुल फैक्ट है। देखिए ये सब चीजें जो है ना, अब मैं आपको थोड़ी सी मैजिकली बताती हूँ कि स्मेल से हमारे अंदर का सिस्टम एक्टिवेट होता है। अच्छा। और हमारा जो स्टमक है वो डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पता है कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है तो कुछ आने वाला है। अब क्या होता है, यही मैकेनिज्म च्युइंगम के साथ भी होता है। जब लोग च्युइंगम खा रहे होते हैं तो उनके पेट में डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो बनना शुरू हो जाते हैं, इसलिए कहते हैं बहुत ज्यादा च्युइंगम नहीं खाएं वरना अल्सर के पेशेंट्स बन जाएंगे। ओह अच्छा, हाँ really? और इस तरह जब आपको भूख लगा करे या कुछ खुशबू आए तो हमेशा कहते हैं कि एक या दो निवाला किसी चीज का ले लें ताकि आपका स्टमक का वो जो एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। दिस इज वेरी नाइस, ये तो राफी फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग दिस। अच्छा ओके, और अब की मैं आई विल मेक इट अ पॉइंट कि आई शुड डू दैट बिकॉज़ ये तो फिर आगे अगर आप पूरा नहीं खा सकते कह रही हैं अल्सर की तरफ जाता है, बिल्कुल तो इट्स अ बिग वार्निंग। एग्जैक्टली, क्योंकि आप अपने स्टमक को एक सिग्नल दे रहे होते हो कि खाना आ रहा है, खाना आ रहा है, और फिर आप नहीं खाएंगे तो वो एसिड किधर जाएगा। अच्छा, अब अगर मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है खाना आ रहा है तो मैं पूरा खा सकता हूँ ये, आप या मुझे एक ही बाइट खाना है? सर स्क्रीन पे ऑन कैमरा आप एक बाइट खा सकते हैं, जितनी क्यूरियोसिटी ज्यादा उतना ज्यादा खाना है। बस ये हमारा अंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है, अब हम इसको डिश आउट करेंगे, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, और हमारा टाइम जो है यहाँ पे बिल्कुल ब्रेक की तरफ जाने का हो गया है। और क्या ये आप देखिए, ये बिल्कुल केक की फॉर्म है, बिल्कुल केक की फॉर्म है, ऐसा लग रहा है मोटा सा पैनकेक है लेकिन वो है सिर्फ अंडा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या और इसको जो है आप अभी मैं
कट करके भी दिखाऊंगी कि ये फाइनल फॉर्म इसको आप कट करके दिखाएंगे और हुमायूं खा के दिखाएंगे। बिल्कुल हुमायूं एनी टाइम। सही, मैं आपके लिए यहाँ ये देखिए जैसे केक की फॉर्म में ये निकल आया है। इस ऑमलेट के साथ बहुत सारी एडवाइजरी सर्विसेज भी थी, खास तौर पे टेक्निकल एडवाइजरी कर्टेसी डॉक्टर राफिया जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप ये देखिए और खा के देखिए। बिल्कुल एडवाइजरी सर्विस मिस्टर हुमायूं जमशेद। बिस्मिल्लाह। बिल्कुल, और सर मुझे काफी गर्म लग रहा है वैसे, लेकिन वो ही इज सो टेम्प्टेड टू ईट इट, मींस वही से बैठे नहीं हूं मैं, बहुत फैसिनेट हो रहा हूं जो आप बना रही थी। आप खाइए, टेस्ट बताइए, फिर हम ब्रेक की तरफ चलते हैं। चेक करिएगा ज्यादा गर्म ना हो। होगा तो गर्म, अल्लाह खैर। खाने दे पहले, आराम से आराम से खाएंगे। गले तो पीने नहीं दूंगा। नहीं मैं बिल्कुल आराम से, बिल्कुल बिल्कुल, आप तो वेट कर रही हूं आपका। काफी कम कम डाला है, अब हर एक का अपना कहते हैं। ब्रेक लेने का दिल नहीं, अभी हमने आपको एनर्जी दी, ब्रेक लेते हैं फिर आते हैं, जरा स्वस्थ हम ये खा लें। सेकंड बाइट ले लूं जी मैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सेकंड बाइट। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। जी वेलकम बैक, और अभी आप थोड़ी देर पहले हमारे किचन के जो एहतमाम है वो देख रहे थे, शहरी के एहतमाम देख रहे थे, और अब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है हमारे स्कॉलर्स से, और हम उनसे बात करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में जो मसाइल हैं उनके हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में क्या है, और हम अपनी ज़िंदगी को आसान कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास मौजूद हैं मौलाना इमरान बशीर साहब, इंतहाई खुश गुफ्तार और बड़ी शीरी अंदाज से जो है वो चीज़ों का बताते हैं, हमको इल्म देते हैं, प्रॉब्लम्स के मसाइल जो हैं उनको सॉल्व करने की हमें तरकीब बताते हैं कि आप अपने प्रॉब्लम्स, अपने जो मसाइल हैं उनसे कैसे बाहर आ सकते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। और उनके साथ मौजूद हैं जी मारूफ स्कॉलर मौलाना अकबर दर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, माशाल्लाह काफ़ी सीनियर अगर हम बात करें स्कॉलर्स में तो आपका नाम आता है। इनके साथ जी मौजूद हैं मारूफ खतीब प्रोफेसर साजिद अली जैदी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और आपकी आप हजरात के आमद से यहाँ पर चार चांद लग गए, क्योंकि हमने तो हमेशा ये बड़ों से सुना कि जो इल्म बांटने वाले होते हैं, वो जो इल्म का गहवारा होते हैं, वो पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया होते हैं। और हमें तो बड़ा फ़ख्र है जी अपने उलमा पे, और हमें तो बड़ा फ़ख्र है अपने उन बड़ों पे जिनके साथ जुड़ जुड़ कर यहाँ हमने दीन सीखा, और जिनके साथ जुड़ जुड़ कर इस दीन के साथ अल्लाह ने इस्तकामत अता फरमाई। तो आप सबको बहुत बहुत वेलकम, आपका प्रोफेसर साहब भी, मौलाना साहब भी, और अपना मौलाना इमरान बशीर साहब भी। अच्छा हमारे साहब, इससे पहले कि हम सवालात पे जाएं तो मैं यहाँ मिलवाना चाहूँगी अलहाज खुर्शीद अहमद मरहूम साहब के साहबजादे, बहुत ही खूबसूरत जिसे कहते हैं नातख्वानी करते हैं, हमारे पास मौजूद हैं हसन बिन खुर्शीद। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आपको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। ये खुर्शीद साहब के फर्जंद हैं बिल्कुल, और माशाल्लाह इनके वालिद साहब का एक बहुत बड़ा मकाम, और मेरी तो दुआ है अल्लाह से अल्लाह ताला वो नहीं बल्कि उससे बढ़कर मकाम इनको अता फरमाए। और हमारे ये जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं उलमा और हमारे प्रोफेसर साहब जो बैठे हैं, अल्लाह इनको पूरी उम्मत के लिए हिदायत का ज़रिया बनाए। अच्छा इमरान बशीर साहब, आपसे मैं शुरू करता हूँ, आपको तो कभी कभी आप कहते हुए मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन आपसे मैं शुरू करता हूँ, और मेरा आपसे वजह भी बता दें, आप कहते हैं कि मैं आपको बिल्कुल अपने छोटे भाई की तरह देखता हूं, और इमरान बशीर का जुनेद भाई से भी बड़ा ताल्लुक था, और बहुत बहुत प्रोग्राम साथ किए प्रोफेसर साहब ने, बड़े साथ प्रोग्राम किए, मैं ख्याल है आपके ही मुराद साहब साथ प्रोग्राम रहे। तो एक ये वो शख्सियात हैं बिलखसूस मौलाना
इमरान बशीर साहब जिनको मैंने बार बार देखा और बार बार मैं इनसे मुस्तफीद हुआ। मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ मौलाना साहब, ये हर 12 महीने के बाद रमज़ान आता है और आकर निकल जाता है, हमें ये पता ही नहीं होता कि हमने इस महीने से हासिल क्या करना है। हम समझते हैं सुबह भूखा हो जाओ, मगरिब तक भूखे रहो, उसके बाद पानी पियो और खूब डट के खाना खाओ, फिर सो जाओ और हमारा रोज़ा हो रहा है। तो ज़रा इस बात पर रोशनी डालें कि रमज़ान में, अगर रमज़ान की पूरी बरकात से मुस्तफीद होना है तो हमें, हमारी क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि हमारी बहन ने तीनों को सलाम लिया, तीनों से हाल अहवाल पूछे, मुझे छोड़ दिया, तो कम से कम आप मुझसे सलाम कर लें या मैं आपसे सलाम कर लेता ताकि बराबर काम हो जाए। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मैं तमाम तमाम ख़वातीन हज़रात को सलाम में मोहब्बत पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इस माह मुबारक की कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। आपने बड़ी खूबसूरत बात फरमाई हमाई भाई, आपको देख कर कसम से जुनेद जमशेद की याद ताज़ा हो रही है, और वो मेरे मोहसिनों में से थे, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। और आज हम यहाँ अगर बैठे हैं तो उन्हीं की बरकत से बैठे हैं, और उन्होंने जिस तरीके से उम्मत को जोड़ने की कोशिश की, वो असरात वो कैफियात अल्हम्दुलिल्लाह आप में, उनके बच्चों में नज़र आते हैं। अल्लाह ताला इसमें और खैर डाले और अल्लाह ताला हमारी इस नशरियात को उम्मत के जोड़ने का ज़रिया फरमाए, आमीन। रमज़ान आता है, आके चला जाता है और हमारे अंदर तब्दीली नहीं आती। उसकी वजह यह है कि हमने रमज़ान के मकसद को समझा ही नहीं कि रमज़ान का मकसद है क्या। जैसे काश कि हम सवाब की बजाय हर चीज़ की हकीकत को समझ के काम, इबादत को करेंगे तो यकीनन हम उस नतीजे तक पहुंच जाएंगे। हम सवाब के लिए तो करते हैं, लेकिन काश कि हम सवाब को ही समझ लें। सवाब अरबी का लफ्ज़ है और ये सोबुन से निकला है। सोब कहते हैं कपड़े को, कपड़ा बनता है ताना और बाना, दोनों में से एक चीज़ भी कम हो जाए तो कपड़ा नहीं बनेगा। कुरान कहता है कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, भाई तुम्हारे ऊपर रोज़ा जो फ़र्ज़ किया गया है ये ताना है, बाना इसका क्या है, रिजल्ट क्या है, नतीजा क्या है, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम्हें तकवा नसीब हो जाए। अगर रोज़ा रख के हमें तकवा नसीब हो रहा है तो फिर खाली रमज़ान आके चला नहीं जाएगा, बल्कि रमज़ान अपने असरात दिखाएगा, जिसके बारे में आका करीम यूँ फरमाया करते थे, लौ यअलमुल इबाद मा फी रमज़ान लतमन्नत उम्मती अन तकून सनत कुल्लुहा रमज़ान, के काश मेरे उम्मत को पता चल जाए कि रमज़ान की क्या बरकात हैं, तो ऐसी कदरदानी करें और रब से यूँ दुआ करें कि ए बारी ताला, काश ऐसे हो सकता है कि पूरा साल ही रमज़ान रहे, ये आए और मेहमान बन के ना चला जाए, बल्कि ये मेज़बान हो और हम इसके मेहमान हों, और ज़िंदगी से जब जा रहे हों तो हम रोज़े की हालत में। माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। इसलिए फरमाया कि रब ताला बेज़ुबान को जब ज़ुबान देता है, बेज़ुबानों को जब ज़ुबान देता है, तो पढ़ने को फिर कुरान देता है, बख्शने पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनाहगारों को रमज़ान देता है। और रोज़ाना ये ऐलान होता है, या तालिबल खैर अकबिल व या बागी शर अक्सर, ए खैरों के तालिब, ए खैरों को लूटने वाले, रब की रहमतों से जुड़ने वाले, हिम्मत कर, वो महीना आ गया है और आज चूंकि पहली सहरी है, हदीस पाक में आता है पहली सहरी में इन्नल्लाह यग़फिरु फ़ी अव्वली लैलतिन मिन शहर रमज़ान, के जब पहली मुबारक सहरी आती है रमज़ान की तो अल्लाह तमाम मुसलमानों के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। मौलाना साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, ये बड़ी अच्छी बात की मौलाना इमरान बशीर ने कि कौन कौन से अमल को देखना चाहिए। हज़रत मुझे ये फरमाएं कि एकदम से जब रमज़ान आता है और हम उन अमाल से बहुत दूर हैं जो रमज़ान में, जिनकी अभी तरगीब दे रहे थे मौलाना इमरान बशीर साहब, उसको हम एकदम से कैसे ज़िंदगी में लेके आ सकते हैं। देखिए, अगर हम रोज़े के मकसद को समझ जाएं, जो कुरान करीम ने ही बयान किया है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून,
क्या ईमान वालों, तुम पर रोज़े इसी तरह फ़र्ज किए गए हैं जैसे अगली उम्मतों पर फ़र्ज किए थे। ये कोई नई इबादत तुम्हारे लिए हमने नहीं इख्तरा की है, या तुम पर ये इबादत जो है वो हमने नहीं लागू की है, बल्कि ये इबादत जो है जब से इंसानियत है, आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैदना ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम तक जितने अम्बियाए कराम हैं, इन सब की उम्मतों पर जो है वो हमने रोज़ों को फ़र्ज रखा था। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और लअल्लकुम तत्तकून, अब रोज़े की गरज़ व गायत परवरदिगार आलम ने ये इरशाद फरमाई कि रोज़ा रखने से जो है हम चाहते ये हैं कि तुम मुत्तकी बन जाओ, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मुत्तकी में क्या है, आप देखें कि पानी हलाल है। अभी आप इस सेगमेंट से पहले जो तनावुल फरमा रहे थे, ये सब चीज़ें हलाल हैं हमारे लिए, खाना पीना हलाल है, फ्रूट जितने हैं वो सब हलाल हैं, लेकिन हम सारा दिन अपने पर उसको जो है हराम कर लेते हैं। क्या जैसे ही रोज़े में हमने सहरी की और सहर में जो है हम वक्त हो गया और सुबह सादिक का हमने उस वक्त जो है वो रोज़े को जो है वो अख्तियार कर लिया और सारा दिन अपने ऊपर उसको लागू रखा। अब वज़ू करते हुए अगर इंतहाई शदीद गर्मी जैसे अब अय्याम हैं तो उसमें ठंडा पानी है, चश्मे के किनारे बैठे हुए हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि एक कतरा हमारे हलक से नीचे ना जाए, एहतियात करते हैं, एहतियात करते हैं। और वजू करते हुए अगर आप वो पानी पी लें तो आपको कोई शनाख्त नहीं कर सकता कि ये जो है आपने जो है कोई चीज़ चख ली है या कोई अपने हलक से नीचे किसी चीज़ को जो है उतार लिया है। खाने की चीज़ें जितनी हलाल हैं वो सब अपने ऊपर हम उस वक्त तक हराम रखते हैं जब तक के जो है अफ्तार का वक्त नहीं हो जाता। तो क्या है कि ये तो मैं एक आम जर्नल बात बता रहा हूँ, अगर कोई शख्स है वो अपने एयर कंडीशन ऑफिस में बैठा हुआ है, उसके पास फ्रिज भी रखा हुआ है, उसके पास हर चीज़ वहाँ मुहैया है, कोई देखने वाला नहीं है, उसने लॉक भी कर दिया अपने कमरे को, लेकिन फिर भी वो कुछ खाता पीता नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कोई दुनिया की शख्सियत मुझे नहीं देख रही तो नहीं देख रही है, लेकिन जिसके लिए मैंने रोज़ा रखा है वो मुझे देख रहा है। अच्छा, यानी देखें ये कैफियत किसी इबादत में आपको हासिल नहीं होती, ये ट्रेन करना है कि अल्लाह ताला की जो मशीयत है और अल्लाह ताला की जो रज़ा है उसमें हम राज़ी हैं और परवरदिगार आलम को हम हर जगह पर हाजिर और नाजिर जान रहे हैं कि हर जगह वो मौजूद है, हम कोई दुनिया की ताकत देखे या ना देखे, लेकिन वो जिसके लिए हमने रोज़ा रखा है वो हमें देख रहा है। तो यही तकवा है और एक महीने इसकी प्रैक्टिस कराई जाती है कि जब तुम आम हालात में भी अगर इस ज़िंदगी में ये समझ लो कि अल्लाह ताला देख रहा है तो तुमसे कोई गलत काम सरज़द ही नहीं होगा। तो गरज़ व गायत कहा कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तो अब ये तकवा जो है हमें हासिल होता है रोज़े में। आप देखें नमाज है, हज है, ज़कात है, ये सारी इबादात हैं, लेकिन इन तमाम इबादात में वो कैफियत नहीं पैदा होती इंसान में जो रोज़ा रखने से हो जाती है, जो अल्लाह का डर। तो आपने आप हज़रत ही फरमा रहे हैं कि रोज़े का जो हासिल है वो तकवा है और तकवे का जो मकसूद है वो कुर्ब इलाही है। मैं सही समझा? बिल्कुल सही समझा। वैसे भी आपने एक बात फरमाई थी, मैं ये अभी प्रोफेसर साहब से इस बात को पूछूंगा, आपने फरमाया था कि हमसे पहली उम्मतों को भी सयाम और रोज़े दिए गए थे, तो मैं ये प्रोफेसर साहब से पूछना चाहता हूँ, प्रोफेसर साहब, कि हमसे पहली उम्मतों को भी दिए गए और अब इस उम्मत को भी रोज़े दिए गए, तो इनमें कुछ मेजर फ़र्क था या हमारे रोज़े भी उसी तरह हैं जैसे पहली उम्मतों को दिए गए और हर दौर में अल्लाह का मकसूद यही था कि अल्लाह की शरीयत के मुताबिक तकवा अख्तियार किया जाए और कुर्ब इलाही हासिल किया जाए, या कोई फ़र्क था कोई और? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप तमाम हजरात को बेहद मुबारकबाद, पहली सहरी है और परवरदिगार आलम ने, उस रब्बुल आलमीन ने हमें ये मौका दिया कि हम रमज़ान की जो एक मेहमान आया है और अल्लाह का महीना है, इसकी बरकतें, रहमतें, मगफरतें अपने साथ शामिल हाल करें और
इससे अजीम वक्त और साथ नहीं हो सकती कि हम पहली सहरी के इतने करीब हो चुके हैं कि परवरदिगार आलम, जैसे कि अल्लामा साहब ने भी कहा कि मकसद ही एक है कि लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर एक तकवा पैदा हो जाए। अगर तकवा पैदा हो जाता है, और वो तकवा पहली उम्मतों को भी बताया गया था कि रोज़े रखने हैं आपने, और रोज़ों की तरीक़े भी यही थे, रोज़ों में भूख का एहसास, प्यास का एहसास, गरीब का एहसास, यतीम का एहसास, यानी तमाम एहसास एक जगह जमा कर दिए गए, और उसके बाद ये कहा गया कि आप अपने जिस्म पर गौर करो कि अगर ये जिस्म तकलीफ़ में आता है किसी वक्त भी, और महसूस होता है कि नहीं अब हमें पानी की ज़रूरत है और मैं पानी पी सकता हूँ, लेकिन तकवा कह रहा है कि नहीं, मेरा अल्लाह से वादा है, रुक जाइए, जब तक इफ्तार का टाइम नहीं होगा उस जब तक उसे पानी को हाथ नहीं लगाना, रिस्क को हाथ नहीं लगाना, खाना नहीं है, पीना नहीं है। तो ये दूसरी उम्मतों पर भी ये रोज़े फ़र्ज़ किए गए और इसी तरीके से फ़र्ज़ किए गए, कोई दूसरा तरीक़ा नहीं था। अब परवरदिगार आलम नमाज भी पहले पढ़वा रहा था, रोज़े भी पहले रखवा रहा था, लेकिन उम्मत मुस्लिमा को ख़ास तौर से, क्योंकि ये दीन इस्लाम आफाकी दीन है, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये दीन कायम व बाकी है, और ता क़यामत ये दीन इसी तरीके से चलेगा। तो इसकी आफाकी हैसियत को देखते हुए रमज़ान और ये जो क़ुरब इलाही के ज़रिए हैं, मसलन नमाज पढ़ना, तिलावत कलाम पाक करना, और तिलावत कलाम पाक एक आयत अगर कोई करता है, सिर्फ तिलावत रमज़ान में रोज़े की हालत में अगर कोई एक आयत तिलावत करता है, बाकी महीनों के पूरे कुरान के ख़त्म के बराबर है, सिर्फ क्या एक बात आयत है, क्या बात। एक आयत, बाकी रमज़ान के अलावा जो महीने हैं उसमें रमज़ान में एक आयत, लेकिन उसके बाद ये मुसलसल हो जाता है। अब इसमें आ जाइए, हम सो गए रोज़े की हालत में, जो क़िबला ने फरमाया अभी कि लअल्लकुम तत्तकून, वो जो सोना है, हम सांस ले रहे हैं वो भी इबादत है, सोना वो तस्बीह के दानों की तरह मतलब हो रहा है, ये कि सोना भी इबादत, जागना भी इबादत, हमारा कोई फेल इबादत से खाली नहीं है। जब कोई हमारा फेल इबादत से खाली नहीं है, इसका मकसद ये है कि अब कान का भी तकवा हो गया, आँख का भी तकवा हो गया, हाथ का भी तकवा हो गया, क्योंकि बुरे काम से रोक दिया गया हमें। अब जब हम बुरे काम से रुक गए और कोई चीज़ हमारी ऐसी करीब नहीं आ रही जो हराम में समझी जाए या कहा जाए उसे हराम में, तो लाजमी है रमज़ान की तमाम बरकतें हमारे शामिल हाल होंगी, और जो अल्लाह ने वादा फरमाया है कि हम इस महीने में शैतान को बंद कर देते हैं, बहिश के दरवाज़े खुल जाते हैं। तो तमाम मुसलमान आपस में यही दुआ करें, या अल्लाह हमारे लिए बहिश के दरवाज़ों को खुला रखना, आमीन। और कभी हमें मतलब यह है कि ऐसा अमल ना करने की तौफीक देना कि जिसकी वजह से दोज़ख हमारा इंतज़ार करे। तो मतलब आपने माशाल्लाह प्रोफेसर, आप ये फरमा रहे हैं कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह हमें दोनों हाथ से नेमतों को लूटने का और जहन्नम की आग से आज़ादी का मौका अता फरमा रहे हैं। बेशक ये एक बोनस आप मुझे नात का बता रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं इससे पहले एक बात जरूर कहूँगी कि एक डिस्काउंट और बोनस मंथ की तरह हमको एक महीना मिलता है जिसमें हर चीज़ पे हमें जैसे कहते हैं ना बोनस मिला हुआ होता है, कि आप जो नॉर्मली आपको एक नेकी का एक सवाब, यहाँ पे एक नेकी का 70 सवाब, एक फ़र्ज का अगर आपने वो किया तो वो 70 फ़र्ज के हिसाब से, तो ये एक बोनस महीना है हम सब के लिए। तो इसमें जितनी हम नेमतें और बरकतें समेट सकें, हाँ सब लूटें। और मैं चाहूँगी कि इस वक्त हम लोग नाते रसूल मकबूल जो है प्रोग्राम में शामिल करें, जिसके लिए मैं हसन बिन खुर्शीद से दरख्वास्त करूँगी कि नाते रसूल मकबूल प्लीज़ प्रोग्राम में शामिल कीजिए। सल्लल्लाहु अलैका या या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब।
सलीका है आरज़ू का, कोई सलीका है आरज़ू का, न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है ये सब तुम्हारा करम है आका। बशीर कहिए नजीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, बशीर कहिए नजीर कहिए उन्हें सिराजे मुनीर कहिए, जो सरबसर है कलाम रबी वो मेरे आका की जिंदगी है, जो सर बसर है कलाम रबी वो मेरे आका की जिंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका। अमल की मेरे असास क्या है बजुज नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत मेरा तो एक आसरा ही है। जी आपका हमारी ख़ास सहरी की ट्रांसमिशन में दोबारा से खुश आमदीद। और अब जिस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो है जी तकारीर का सेगमेंट। और कहते हैं इंसान की खूबियाँ और खामियाँ तब तक पता नहीं चलती जब तक वो चुप रहता है, और जब वो बात करना शुरू करता है तो पता चलता है कि इंसान में कितनी खूबियाँ और कितनी खामियाँ हैं। तो आज हम एक मौजू लेकर आए हैं और हम उन मौजू पे हमारे पार्टिसिपेंट्स को तकरीर का मौका देंगे और देखेंगे कि कौन इनमें से क्या सोचता है और रमज़ान की जो आमद हुई है इसमें हमारे माहौल में क्या तब्दीली आई, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो है जी उठ के अब बज़्म जहां का और ही अंदाज़ है। तो रमज़ान की आमद के साथ बज़्म जहां का अब क्या अंदाज़ है, इसके इस पे बात करने के लिए हमारे पास तीन पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं जी मोहम्मद एहतशाम बहरिया कॉलेज कारसा से, और टॉपिक हमने उनको बता दिया है और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी तकरीर का आगाज़ कीजिए। एक मिनट पे एक बेल बजेगी और डेढ़ मिनट पे जो बेल बजेगी इसका मतलब है कि आप बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज़ है साकी। तैयारी सबकी अच्छी है? तैयारी है सबकी अच्छी? चलो तुम इस पे बोल देना। एक्साइटेड हो सारे? चलो शुरू करो। मुनसिफीन की इजाजत? बिल्कुल सर, आप लोग इजाजत देंगे तो इजाजत है। मिट्टी को जरखेज करने के लिए लहू की नमी दरकार होती है सदरे आली वकार, और लहू की आबियारी से जरखेज होने वाली मिट्टी फसल नहीं बल्कि गोहरे नायाब जना करती है। तारीख़े आलम शाहिद है कि मिट्टी को ज़रखेज़ करने के लिए ख़ुद को तारीक राहों के सुपुर्द करना लाजिम है।
तारीख़ आलम के झरोकों में झांकिए और देखिए कि खुशाब की गलियों से निकलकर जंग के रेगजारों से होते हुए लाहौर की सरजमीन पर पहुंचने वाले वासिफ अली वासिफ की सदाए वस्त से यही पैगाम मिलता है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज़ है, ताकि कि हमारा चरागे हक अंधेरों के थपेड़ों में बेखौफो ख़तर रोशन रहेगा, क्योंकि ये मिट्टी वो दरखेज़ मट्टी है जो हर दौर में नए याकूतो मरजान जना करती है, कि इसका एक गौहर सुबेदार आमिर भी है कि जो वजीरस्तान के रेगिस्तानों से उठकर अपने गुल बदन के लहू की आबियारी से मट्टी को दरखेज़ करता है और पैगाम देता है कि ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी दरखेज़ है, ताकि कि ये मट्टी बंजर नहीं दरखेज़ है। लेफ्टिनेंट कमांडर हमाद हसन मेकन के जज्बों से कि जिसने 22 घंटे रोज़े की हालत में चलती गोलियों और फटते बमों का सामना किया और ये पैगाम दिया कि हम बता देंगे दुनिया को संसार में कितनी ताकत है जज्बों की यलगार में, बाखुदा अब गरीबों के दरबार में सर झुकाए हुए हर नवाब आएगा, इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। क्या बात है, क्या बात है एहतशाम। थोड़ा सा टाइम ओवर हो गया, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे जज हमारे साथ मौजूद हैं। पहले पूरा हमारा तकरीरी मुकाबला हो जाए, फिर हम देखते हैं कि कौन जो है। मुझे लग रहा है सारे बड़े अच्छी तैयारी से हैं। सब बिल्कुल प्रिपेयर्ड और कॉन्फिडेंट हैं एकदम। हमारे जो दूसरे कंटेस्टेंट हैं जी, उनका ताल्लुक कराची यूनिवर्सिटी से है, ख्वाजा साद सर आपका, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। माइक। गुलामी की शबे तारीक जब अपनी बिसात लपेटती है सदरे आली वकार, तो हजारों सितारों का खून वक्त के मशरिक को लाजवाल बना देता है। जब वादिये मशरिक से खून की नदियां बह जाती हैं, तो दूसरी जानेब चांद बेचारा आखिरी हिचकी लेता है और किसी बेवा की आंख कासू बनकर होश में आता है। नजूमों कहकशा के हजारों मोती सहर के लिए दुआएं मांगते मांगते किसी महबूबे किबरिया की हशमत साजी की भेंट चढ़ जाते हैं, तब जाकर ये वतन की मिट्टी अपनी नमी और जरखेजी को साबित करती है और ये सदा बुलंद होती है कि मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा ये जुल्मतों का पाला, मुझे फिक्रे अमने आलम तुझे अपनी जात का गम, मैं तुलू हो रहा हूं तू गुरूप होने वाला, क्योंकि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, क्योंकि हम ही सिपाही मकबूल हुसैन बनते हैं और अपनी कटी जबान के बहते लहू से दीवारे जिंदान पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखना जानते हैं, क्योंकि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी, बड़ी जरखेज है साकी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। और जी हमारी जो तीसरी कंटेस्टेंट हैं, उनका ताल्लुक जो है सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से है, इरम हमीद आप, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये मिट्टी आलम इंसानी की मिट्टी है आली वकार, ये मिट्टी मेरे जवानों के खून पसीने से नम होकर जरखेज हुई, तो तारीख गवाह है कि इसने मौशरे को ऐसे सायदार शजर अता किए कि जिनके साए तले आलम इंसानी ने हमेशा सुख का सांस लिया है। कि ये मिट्टी नम हुई तो रफीक सुमरो जैसे सपूतों से जरखेज हुई जो स्टॉक एक्सचेंज पर हमलावर होने वालों को मिट्टी में मिला देते हैं। कि ये मिट्टी नम हुई तो हसन सिद्दीकी जैसे शेरों से जरखेज हुई जो दुश्मन को चाय के प्याले पे रुखसत करते हैं। कि ये मिट्टी नम हुई तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जैसे सपूतों से जरखेज हुई जो दुनिया में अपना लोहा मनवाते हैं। कि ये मिट्टी नम हुई तो निगार जौहर जैसे जौहरों से जरखेज हुई। कि ये मिट्टी नम हुई तो समीना बेग जैसे जौहरों से नम जरखेज हुई। कि ये मिट्टी नम हुई तो एमएम आलम जैसी बहादुरियों से जरखेज हुई। कि ये मिट्टी नम हुई तो अब्दुल सतारीदी जैसी हमदर्दियों से जरखेज हुई। कि ये मिट्टी नम हुई तो समीना बेग जैसी हमदर्दियों से जरखेज हुई। कि ये मिट्टी जरखेज हुई बद्र के मैदानों में, ये मिट्टी जरखेज हुई ओहद की चट्टानों में, ये मिट्टी जरखेज हुई अफ्रीका के कलिसाओं में, ये मिट्टी जरखेज हुई अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, ये मिट्टी जरखेज हुई कोह में दश्त पे तलवारों के साए में,
ये मट्टी जरखेज़ है साकी कि इस मिसरे के ज़रिए इकबाल के ख्वाब की ताबीर की राह दिखाकर नौजवानों को मेहनत पर उभारा गया है कि राह के कांटे हमारा क्या बिगाड़ सके हैं, क्या बिगाड़ सके हैं, क्या बिगाड़ सकेंगे कि वतन की मिट्टी से इश्क तो फिर इश्क है ये उभरना भी जानता है और नारे नमरूद में कूद कर उसे गुलो गुलजार बनाना भी जानता क्या है। क्या बात, शुक्रिया। वेरी नाइस। यार लोगों ने तो बड़ा मुश्किल कर दिया जजेस के लिए। बहुत मुश्किल कंपटीशन है ये तो। माशाल्लाह, एक से एक मुकर्रर है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। वाह जी वाह, वेल डन गाइस, वेल डन। हमारे जजेस भी अब सोच रहे हैं कि वो क्या बताएं और कैसे। जजेस को वक्त पड़ गया, सोच रहे हैं किसको फर्स्ट किसको सेकंड। आपस में डिस्कशन चल रही है, थोड़ा मुश्किल वक्त हो गया। बहुत 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 जबरदस्त, बहुत खूब। और अब हम हमारे जजेस की तरफ बढ़ते हैं और उनसे पूछते हैं सबका एक वर्डिक्ट है या सबके अपने अपने वर्डिक्ट्स? नहीं, वर्डिक्ट्स यकीनन थोड़े से मुख्तलिफ हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले मौलाना साहब मौलाना इमरान साहब से पूछेंगे, सर आपका वर्डिक्ट हुआ है हमारे तीन जो कंटेस्टेंट हैं और क्या कहना चाहेंगे? तीनों बच्चों ने माशाल्लाह एक से एक बढ़कर अच्छे बोले हैं। और देखें, एक चीज़ बड़ी बुनियादी होती है कि जब कहा जाए कि वक्त ख़त्म हो गया है तो वक्त ख़त्म हो गया है। जैसे रोज़े का वक्त ख़त्म हो जाए तो फिर भी इंसान लगा रहे तो वो रोज़ा नहीं रहता। सही बात है। तो इसमें से सात जो हमारा बच्चा है, इसने वक्त की पाबंदी की, जू ही घंटी बजी और इसने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया। और अंदाज़े गुफ्तगू भी इसका सबसे सात। कौन से वाले हैं? अच्छा, ये सात हैं। ठीक है, ब्राउन शर्ट। ओके, ठीक है जी। तो आप उनको पहले नंबर पे कर रहे हैं? जी, पहले नंबर पे। और दूसरे नंबर पे किसको कर रहे हैं आप? दूसरे नंबर पे हमारी जो बेटी है, इसने बहुत अच्छे अंदाज में माशाल्लाह गुफ्तगू को किया है। और कौन सा कॉलेज इनका? सलीम हबीब यूनिवर्सिटी। और वक्त की पाबंदी इनसे भी थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन निस्बतन जो पहला बच्चा था हमारा उसकी निस्बत इन्होंने कम ये गलती की है, लेकिन अंदाजे बयान का उससे अच्छा। तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि सब अच्छे हैं, सिर्फ टेक्निकली थोड़े आगे पीछे। तो आपने टेक्निकल नॉकआउट किया ही? जी जी। अच्छा जी हजरत, टेक्निकल नॉकआउट। सही। और आप ये टेक्निकल नॉकआउट हो? टेक्निकल नॉकआउट, सही बात है। मौलाना साहब आप बताइए। इरम हबीब जिन्होंने पूरे ग्लोबल को जो है इहाता किया, और ग़ज़वे उहद का भी जिक्र किया, ग़ज़वे बद्र का भी जिक्र किया और दीगर, तो इसका मतलब है मेरे लिहाज से इरम हबीब का जो प्रेजेंट जो उन्होंने प्रेजेंट किया वो ज़्यादा जो है, क्या बात है? और ख्वाजा साद ने वक्त की पाबंदी भी की और मज़मून भी बहुत उम्दा था उनका, लेकिन ये मैंने पहला नंबर जो है इरम हबीब को, और सेकंड जो है वो वक्त की पाबंदी और उसके लिहाज से ख्वाजा साद को, और तीसरा नंबर जो है एम मोहम्मद एहतशाम को जो दिया बहरिया कॉलेज की। प्रोफेसर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहने के लिए तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बच्चे हैं हमारे और माशाल्लाह बहुत ही उम्दा तकरीर की है और तीनों ही कामयाब हैं और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में ये कामयाब रहेंगे। लेकिन क्योंकि कहा है कि नंबरिंग के लिहाज से हमें बताया जाए, तो नंबरिंग के लिहाज से इरम सलीम हबीब यूनिवर्सिटी से जो हैं, क्या बात है जी, इनका मैटर बहुत ज़्यादा जानदार था जी। उन्होंने पाकिस्तान में होने रोनुमा होने वाले वाक़यात पे भी और इंटरनेशनली भी बाकायदा मतलब यह है कि बताया कि किस तरीके से मतलब एक डेढ़ मिनट के अंदर समो दिया जाता है तकरीर के अंदर। अच्छा, और जिस तरीके से इनका लहजा था वो मुनासिब लहजा था, तो ये मेरे एतबार से पहले नंबर पर हैं। और दूसरे नंबर पर ख्वाजा साद हैं। ख्वाजा साद की सिर्फ आवाज़ में थोड़ा सा या बल्कि हैं या कुछ मतलब आवाज़ जो है इनकी कुछ कमज़ोर है निस्बतन, जैसे मतलब तो आपकी नज़र में सात सेकंड है? सात सेकंड है। अच्छा, एहतशाम थर्ड है। हाँ, एहतशाम। तो भाई आज का फैसला देखो ऐसा हुआ, हाँ। फिर कि हमारी आज की विनर हो गई इरम, हमारे इनके लिए तालियां, और हमारे दूसरे हो गए साद और एहतशाम। लेकिन देखो एक बात याद रखना, ये जो होता है ना, इससे कभी डिसहार्टन नहीं होना चाहिए। मुझे याद है मैं स्कूल में था ना, तो जुनैद भाई मुझसे एक साल बड़े थे, तो हमारे स्कूल में असेंबली होती थी ना, तो एक दिन जुनैद भाई ने नात पढ़नी और मैंने किरत करनी,
दूसरे दिन मैंने किरत करनी, उन्होंने नात पढ़नी। तो कई दफ़े ऐसे होता था कि मैंने गलत पढ़ दिया या वैसे, और अगले दिन मैंने मुझसे बहुत अच्छा पढ़ दिया। कई दफ़ा ऐसा था जिन भाई ने मुझसे बहुत अच्छी नात पढ़ी, दूसरे दिन मैंने उनसे बहुत अच्छी नात पढ़ी। हाँ, तो इसमें ना कभी डिस्करेज नहीं होना और इसमें मेहनत करते रहना। देखो हर चीज़ में ना मेहनत शामिल है। और माशाल्लाह मैंने तीनों की तकरीर सुनी है, जजेस ने तो अपना खैर टेक्निकल फैसला दिया है, माशाल्लाह तीनों ने बहुत अच्छा बोला है। इसी तरह बोलते रहना, मेहनत करते रहना। और एक और बात, जो आज बोला है ना उस पर पूरे यकीन से अमल भी करना है। आपने पाकिस्तान को लेके आगे चलना है। हमारे इस दिन बैठे ना सबकी बारी खत्म हो गई है। सीरियसली, सही बात है। दिस इज द यंग जनरेशन। इस साल 90,000 आदमी नया वोटर पैदा होगा, तो आप लोगों ने इस मुल्क को लेके आगे चलना। जो अल्लामा इकबाल का है वो मद्देनजर रखना चाहिए कि नहीं है ना उम्मीद, इकबाल अपनी कश्ती वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। बहुत खूबसूरत। अच्छा जी, मुझे मेरा ख्याल है आप ब्रेक ले लें। ब्रेक बिल्कुल लेना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ बिल्कुल इनामात आप बता दें। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड आपको एक ग्रेडिंग वाइज जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है पार्टिसिपेशन, और वो आप लोगों ने की है, वो हिम्मत आप लोगों ने की है। तो यू शुड बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, ऑल थ्री ऑफ यू। अच्छा जी, आपको पीटीवी की तरफ से मल्टीपल आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं, और मज़ेदार हलीम की तरफ से भी आप सबके लिए गिफ्ट्स हैं, और इजी कलर की तरफ से भी आप सबके लिए गिफ्ट्स हैं। और यहाँ हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे सर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप तीनों पार्टिसिपेंट, आप तीनों बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। कैरी ऑन, कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क। और हम यहाँ पे लेंगे ब्रेक की तरफ चलेंगे, जो कि सहरी ब्रेक है हमारी प्रॉबेबली। ठीक है जी, हमारी सहरी ब्रेक है और हम इसके बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। रमजान पाकिस्तान, रमजान पाकिस्तान। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الصلاة الصلاة خير من النوم، الله أكبر، الله
वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं हमारी सहरी की खसूसी ट्रांसमिशन और अभी हम सब ने पहली सहरी मुकम्मल की है। आप सबको पहली सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने एक अच्छी न्यूट्रिशनल सहरी की होगी और अजान देने की सआदत हमारे मौज़िन ज़िशान कादरी साहब के बहुत खूबसूरत आवाज़, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बिल्कुल हमारे पास इस वक्त जो है वो थोड़ा कम है और हुमायूं कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ जी ज़रूर, ये जैसे भी आपको राफिया कह रही थी, पहले तो आपको बहुत मुबारक हो पहला रोज़ा। एक चीज़ मैं आपसे ये शेयर करना चाहता था कि आप जनाब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कौन सी वो आदात थी जो रमज़ान के मुबारक महीने में किया करते थे। एक तो अगर हम, और बाय द वे हम अगर इन आदात को अपने अमल में ले आएँ इस महीने में, तो यकीन करिए आपका रमज़ान इतना खूबसूरत हो जाएगा कि इसके असरात रमज़ान के बाद भी आपके साथ 11 महीने चलेंगे। और 11 महीने के बाद जब हमारा पेट्रोल ख़त्म होने लग जाएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि अल्लाह हमें फिर रमज़ान की फजीलत अता फरमाएंगे। पहला तो आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से कुरान पढ़ा करते थे। मैंने तो यहाँ तक सुना कि आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को एक कुरान पढ़कर सुनाया करते थे, कुरान की खूब कसरत किया करते थे। तो जो साथी एक कुरान ख़त्म कर सके रमज़ान में, बहुत आसान है, एक पारा 16 रुकू अगर आप रोज़ पढ़ सकते हैं तो ज़रूर करिए, और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम इरादा कर लीजिए और जितना भी आपने पढ़ लिया अल्लाह की ज़ात से उम्मीद ये है कि अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देंगे। दूसरा, आप जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सखी हो जाते थे। आप तो वैसे ही बहुत सखी थे, आपकी सखावत की गवाही तो कुरान ने दी हुई है, लेकिन आप इस महीने में बहुत सखी हो जाते थे। एक चीज़ का ख्याल रखें, देखें हम सारे रमज़ान के अंदर कोशिश करते हैं लोगों को इफ्तार कराने की, लोगों को सहरी कराने की, ज़रूर कराइए, लेकिन इस तरह कराइए कि उनकी नफ्स जो है मजरूह ना हो। किसी को कभी ये एहसास ना दिलाइए कि वो ज़रूरतमंद है और मैं उसको दे रहा हूँ। इससे दो चीज़ें होती हैं, इससे देखें आप तो इखलास से अल्लाह के रास्ते के लिए कर रहे हैं, लेकिन इखलास वो है जो अल्लाह को कबूल हो जाए, और अल्लाह को हमेशा वो चीज़ कबूल होती है जो इंसान सिर्फ़ खालिस इस नीयत से करे कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है। तो अगर आप एक थोड़े से पैसे देते रहे हैं पूरे 11 महीने, तो इस महीने में कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। और एक बात याद रखिए, अगर हमें ये होता है कि यार हम इतना खर्च कर रहे हैं शायद हमारे बजट से ज़्यादा है, वल्लाह मैं आपको बताता हूँ इसका आपके बजट से कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर आप कहें तो मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि आपको एक का 10 तो इस दुनिया में अल्लाह ताला अता फरमा देते हैं, आखिरत तो आप फिर रहने ही दें। तो सखावत पे जोर दीजिए इस महीने के अंदर। तीसरा, इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि देखें जब इंसान फ़र्ज़ इबादत करता है तो वो एक मुसलमान ईमान वाला बन जाता है। जब वो उसके अंदर ज़्यादती शुरू करता है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ता है, तो मोमिन बन जाता है, सालेहीन की तरफ जाता है, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए खाली फ़राइज़ नहीं है, जो अल्लाह को जितना राज़ी करना चाहे उतने ही ज़िक्र ज़्यादा करे, उतना ही ज़ाकरीन में शामिल हो। और ज़िक्र में क्या है, नफल अता फरमाइए, ज़िक्र में क्या है, तस्बीहात पढ़िए, कम से कम दिन की 3 तस्बीहात आप ज़रूर करें। देखें एक सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अगर आप चाहें तो उसके आगे ये भी जोड़ दें वला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, वरना इतनी तस्बीह ज़रूर करें। उसके बाद एक दुरूद की तस्बीह ज़रूर करें, और ज़रूरी नहीं है कि आप दुरूद इब्राहिमी की तस्बीह करें, सबसे अफजल दुरूद जो हदीस में है आप पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वा अला आली मुहम्मद, आप ये पढ़ सकते हैं।
आप ये पढ़ सकते हैं सल्लल्लाहु अला हबीबी ही मोहम्मद व आलिही वसल्लम, एक दुरूद की तस्बीह ज़रूर करें और एक इस्तग़फ़ार की तस्बीह ज़रूर करें। देखें इस्तग़फ़ार जो है ना वो अल्लाह को बहुत पसंद है। अब मेरे बहुत सारे देखने वाले, मेरे बहुत सारे साथी सैयदुल इस्तग़फ़ार भी पढ़ते होंगे, अगर जिस जो नहीं पढ़ता बहुत आम अवेलेबल है, किसी भी किताब से निकालें और सैयदुल इस्तग़फ़ार पढ़ने की तरतीब डालें, कम से कम एक दफ़ा फजर के बाद और कम से कम एक दफ़ा मगरिब के बाद, तो इसको अपनी तरतीब बनाएं। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगा करें। आप जनाब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जिसका ना दुनिया में फ़ायदा है ना आखिरत में फ़ायदा है। आपकी दुआ थी कि अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ ऐसे सजदों से जो जिसको करके मेरे दिल को सुकून और इत्मीनान ना मिले, और ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसी नफ्स से जो शेर ना हो, जो कंटेंडेड ना हो। और उसके बाद आखिर में आप ये दुआ करते थे या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ ऐसी दुआओं से जिनमें कबूलियत ना हो। तो आप जो भी मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इन तीन चीज़ों को अपनी तरतीब बना लें रमज़ान में। क़ुरान, नमाज ज़्यादा से ज़्यादा जिसमें खाली नफल नहीं है, ज़िक्र भी है, और सखावत। ये सखावत एक ऐसी चीज़ है मेरे भाइयों कि अगर हमारी इबादत टूटी फूटी भी हैं लेकिन अगर हम में सखावत है तो अल्लाह की नज़र में हमारे दर्जे वहाँ पहुँच जाते हैं। मैंने अल्लाह के नबी की हदीस है कि सखावत एक ऐसा दरख्त है जिसकी शाखें जन्नत के अंदर हैं और इसकी जिसकी जड़ जो है जन्नत के अंदर है और शाखें दुनिया में आती हैं। जो इन शाखों को थाम लेगा उसको ये शाखें जन्नत में लेके जाएंगी। और बुखील और बुखल एक ऐसा दरख्त है जिसकी जड़ें जहन्नुम के अंदर हैं और उसकी शाखें दुनिया में आती हैं। जो आदमी इन शाखों से चिमट जाता है उसको वो इवेंचुअली दोजख में ले जाकर छोड़ती हैं। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ की तरतीब बनाएं, अपनी टाइमिंग कर लें, फैसला करें कि आज मैं 10 मिनट से कम दुआ नहीं करूँगा। कुछ दिल में आए ना आए मांगते रहें, कोई उसके अंदर कोई खसूसी दुआ की ज़रूरत नहीं है, कोई उसके अंदर अरबी, अंग्रेज़ी, पश्तो, पंजाबी, बलूची की ज़रूरत नहीं है। जो आपके दिल में आ रहा है अल्लाह से मांगें। और उसमें इखलास कैसे पता चलेगा? जब अल्लाह को याद करके, अल्लाह को मांगते हुए आपके दो आंसू गिरेंगे, यकीन करिए अल्लाह की तरफ कबूलियत है। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदे तू मांग मांग कर, तू तौबा कर थक जाएगा, लेकिन मैं माफ़ कर कभी नहीं थकूँगा। तो आज पहली रमज़ान, पहली सहरी थी, जो मैंने बातें कही हैं, मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जितने मेरे साथी हैं वो उनको भी अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, अभी आप एक बात कर रहे थे बजट से रिलेटेड के लोग डर जाते हैं कि हम इतना देंगे तो ये हमारे बजट में नहीं आ रहा और ऐसा नहीं है, जबकि असल बात अगर देखी जाए तो इस तरह है कि रमज़ान में अल्लाह मोमिनीन के रिस्क में बहुत ज़्यादा इजाफा फरमा देता है। और जब वो मोमिनीन के रिस्क में इजाफा फरमा देता है तो वो इसलिए इजाफा फरमाता है ताकि आप उससे औरों की मदद करें, उनके रोज़ा इफ्तार करने में जितना सवाब किसी को रोज़ा इफ्तार कराने का है, इससे रोज़ेदार का जो है सवाब जो है वो कम नहीं होता, लेकिन उसी के हिस्से का सवाब आपको भी मिलता है। बहुत अच्छी बात। और इसके साथ मैं ये भी कह दूं कि बजट की इसलिए फिक्र ना करें कि देखें कुरान कहता है आपके पास माल हो कि ना हो अल्लाह की राह में दो, तो ये अल्लाह की अजीब बात है, मेरे पास तो पैसे नहीं है और आप मुझे कह रहे हैं कि माल हो ना हो तुम अल्लाह की राह में दो, तो ये अल्लाह क्यों कह रहे हैं? अल्लाह इसलिए कह रहे हैं कि अल्लाह कुरान में कहते हैं अल्लाहु यब्सितु रिस्क लिमन यशाउ मिन इबादिही व यक़दिरु लहू इन्नल्लाहा बिकुल्ली शैइन अलीम। ऐ बंदे, रिस्क तेरे से कोई ताल्लुक नहीं, मैं जिसको चाहता हूँ ज़्यादा देता हूँ, जिसको चाहता हूँ कम देता हूँ। हमारे ईमान कच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। सही बात, बिल्कुल। और आखिर में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी जी, हमारे मौज़िन भी और हमारे बहुत नातख़्वां भी, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप नाते रसूल मकबूल पे आज की सहरी की जो हमारी ट्रांसमिशन है
उसका इख्तिताम कीजिए। माशाल्लाह। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, बख्शी गए मलाइक को गदाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ा तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। और ले जाएगी एक दिन मुझे तैबा में उड़ा कर, ले अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। और महशर में भी इस शान से जाऊंगा मुनव्वर, रखे हुए कांधे पे चटाई तेरे दर की। अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। बख्शी गए मलाइक को गदाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की, अल्लाह ने ये शान बढ़ाई तेरे दर की। पाने को तो खुर्शीद कमर चरख